आ रही है, यदि आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। देखिए, हर जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो थ्योरी, प्रैक्टिकल हार्ट्स एंड टोटल हार्ट्स, ये सारे जो है वो साथ में दिए हुए हैं, ऐसे ही है। तो ये जो लेक्चर चल रहा है, ये एज पर अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली इसी के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने 11 हार्ट्स ही इसको दिए थे, ठीक है। और देन फिर जब हम इस पे आए थे, तो हमने 20 घंटे इसको दिए थे, ठीक है। तभी ये जाके अब ये लोग जो है अस्सलाम वालेकुम सर। बोल रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ। अच्छा, अब जो है वो इसका जो सलूशन है वो बेसिकली क्या है, वो आप ये जो है वो पकड़ें, ठीक है। और सिंपल आप ये जाके गूगल पे भी टाइप कर देंगे ना, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स मार्केट, तभी जो है वो आपको एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जरूर देगा। आप थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करें, और उसके बाद जो है वो आप देखें उसमें से जो जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ लग रहे, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लें। देन जो है वो जब मीटिंग स्टार्ट हो नेक्स्ट डे का, सबसे पहले आप वही चीज़ रखेंगे जी, ये नहीं समझ नहीं है, ये समझ नहीं है, ये समझ नहीं है, फिर आपके क्वेश्चन के आंसर ना हो, फिर आप जो है वो बताइएगा। इस तरीके से जो है वो अब अगर जो है वो हम लोग अभी जो बेसिकली हैं, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, अमेजोन केसेज एंड रिपोर्ट्स के ऊपर हमने कल जो है इसका एक पोर्शन जो है वो स्टडी किया था। अब जो है वो अब हमारे पास टाइम बेसिकली पूरा जो है वो एंड टू एंड चल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है अगर मैं दोबारा इसको जो है वो शुरू से जो है वो स्टार्ट कर दूं, तो ये फिर अगले वाले जो इम्पोर्टेंट जो है वो फेज़ हैं वो आपके फिर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये फिर बेसिकली जो लोग जिन लोगों ने शुरू से जो है वो इसको ज्वाइन किया हुआ, उन लोगों के साथ ना इंसाफी होगी ना, तो इस वजह से जो है वो ये है, ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। वो एक सर एक बात आपसे पूछनी थी कि मुझे भी 2-3 दिन हुए हैं, और मैंने ना थोड़ी सी वीडियो देखकर अपना अकाउंट बनाया था अमेज़न पर, लेकिन कुछ बातें समझ आती हैं, जैसे शिपमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें जो आपने समझाई थी 2 दिन के लेक्चर में, मैं कुछ समझ गया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक दिन ऐसा अरेंज कर दें कि प्रीवियस लेक्चर कुछ हमें थोड़ी आउटलाइन दे दें, कुछ हमें थोड़ा सा समझा दें, सिर्फ एक दिन या 2 दिन हफ्ते में से एक निकाल कर, बाकी जो आगे चल रहे हैं उन्हें उस दिन अगर छुट्टी कर दी जाए, कि मतलब वो अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर नहीं आना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो न्यू आए हैं उनके लिए अगर कुछ ऐसा किया जाए। अच्छा, बेसिकली इसमें होगा यूं, क्योंकि जो है वो डेफिनेटली हर बंदे का जो है अपना अपना एक शेड्यूल होता है, ठीक है। तो इस टाइम के बाद मेरे पास टाइम नहीं होता इस काम के लिए, टू बी ऑनेस्टली, ठीक है। ऐसे मैं आपको कह दूं कि जी नहीं, आपके दिन में भी सेशन होंगे, रात में भी हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सलूशन यही है कि इसी 4 घंटे को जो है वो आप या तो कन्वर्ट करवा लें पीछे वाले लेक्चर्स में, या कन्वर्ट करवा लें आगे वाले लेक्चर्स में, मुझे आप जो है वो जो बताएंगे मैं आपको वेब चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये अब जो है वो ये आप लोगों की आपस की जो सर, इसका बड़ा एक आसान सा हल है, सबके पास माशाल्लाह से नेट की फैसिलिटी है, जो आपने पहले भी बताया, जिस जिसको जो है ना मतलब बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट है, वो बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम लें, स्टार्ट करें, गूगल से सर्च करें, डे बाय डे कोर्स आउटलाइन से टॉपिक्स को देखते जाएं, इसी 4 घंटे में से कोई 1 घंटा चलें स्पेयर करवा लेते हैं, उसमें ये वो ये न्यू कमर्स जो हैं अपने क्वेश्चंस करें, हम लोगों का भी रिपीट हो जाएगा, इनके लिए भी जनरल बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके के यूट्यूब पे तमाम लेक्चर्स मिल जाते हैं टॉपिक से रेलेवेंट। जो मैं आपके सामने जो ये ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक्सट्रीम कॉमर्स की जो अभी जो बात चल रही थी ये, ठीक है, ये उनका जो है वो वीडियो बोर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, कैप्चर कर लें सर, कैप्चर कर लें, कैप्चर है ही नहीं, कहाँ कर रहे हैं, ये साइड पे खड़े हैं, साइड पे खड़े हैं, राइट कॉर्नर पे, तो ये राइट कॉर्नर पे देखिए, राइट नीचे नीचे इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो वैसे लॉगिन हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम बेसिकली जो है ना इसमें FBAPL जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टार्ट है ना वो होता है आपका यहाँ से, ठीक है, इधर से ये आप जो है वो ये लेना कोई, ये जो कोर्स मैंने आपका हमने ओपन किया, ये लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैंने सबसे पहले ही जो है वो जो ये लोग आए हुए थे, ठीक है, मैंने इनको सबसे पहले यही कहा था कि आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर दें। इसमें क्या है
कि देखें भाई, अच्छा पहली बात तो ये है कि जो एप्टा कम्युनिकेशन वे यूज़ कर रहा है ना, वो तो यूज़ कर रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे लगा दूँ ना, यहाँ से आधे लोग तो वैसे ही उड़ जाएंगे, ठीक है। जितनी उसकी हैवी बैंडविड्थ होती है और जितना वो हैवी सिस्टम है, ठीक है, वो वैसे ही वहाँ पर चले जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो फिर हमने ये एक जूम लिया ऑल्टरनेट, ठीक है। अब जूम के अंदर बेसिकली रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी तो है लेक्चर की, बट उसमें क्या है कि ये है हमारा फ्री वाला है। अब जो है वो 40 मिनट बाद जब लेक्चर एक्सपायर होता है, लिंक एक्सपायर होता है, आप लोग दोबारा ज्वाइन करते हैं, ठीक, तो उस वक्त अगर मैं उसको रिकॉर्डिंग पे करूँ तो पहले क्या करेगा, वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है 40 मिनट की, इसको पहले कंप्लीट करेगा, फिर मुझे अलाउ करेगा कि अच्छा मैं अब जो है वो दोबारा एक नई मीटिंग स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो उसमें जो है वो फिर क्या होगा कि जो रिकॉर्डिंग होगी 40 मिनट की, 10-15 मिनट तो उसने वैसे प्रोसेसिंग में लगा देने हैं, तो अच्छा 15 मिनट तो आपके फिर वो हो गए, हर मीन्स के 40 मिनट का लेक्चर 15 मिनट हो गए, एक घंटा ये हो गया, ठीक है। तो फिर अगले घंटे में मींस के आपने 3 hours पढ़ा, 1 hour आपने इस तरीके से जाया कर दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर उन लेक्चर्स को प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है। अब हर लेक्चर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है कॉन्फिडेंशियल भी जो है वो बंदा डिस्कस कर लेता है, तो वो उसको जो है वो फिर वहाँ से उस पोर्शन को रिमूव करना है, देन उनके बाद उन लेक्चर्स को जो है वो अपलोड करना, ये बहुत बड़ा जो है वो हो जाता है काम। आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको जस्ट इसमें जो है वो एक लाइन चाहिए, मींस कि ये वाला रास्ता इधर इस गली से जाओ आप, तो ये वाली जो गली है ना वो गली ये चीज़ दिखा रही है आपको, ठीक है। अब आपके पास ये गली नज़र आ गई आपको, ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर जो जहाँ जहाँ आपको हर्डल नज़र आ रही है, आप वो हर्डल नोट करते हैं और मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो देन जो है वो फिर देखें आपको जो है वो मैं उन हर्डल्स को कैसे जो है वो दूर के बातों इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये सोल्यूशन है फॉर द न्यू कमर जो भी आया, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो ये जो है वो आप लोग करें। अच्छा, और इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है वो यही जो है वो सबसे बड़ी हमारी जो बात होती है कि यहाँ पर भी थोड़ी सी कोई जो है वो एफर्ट की या फॉलो अप की बात आ जाती है, तो फिर हम वैसे ही जो है वो फारिग हो जाते हैं वहाँ पर। तो इसमें 2-3 मेल्स होंगी, आप एक्सट्रीम कॉमर्स को जो है वो मेल करेंगे कि जी मेरी जो आप लोगों, मुझे लगता है किसी की सैलरी भी जो है 65,000 से ऊपर होगी यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे होंगे, ठीक है। तो सब लोग जो है वो के वाले बोर्ड कैंप के लिए एलिजिबल हैं, तो आप उनको कह देंगे कि भाई हमारी तो सैलरी जो है वो 65,000 से ऊपर है ही नहीं, तो वो आपको वेरीफाई करेंगे। एक मेल आएगी कि जी अच्छा कोई रेफरेंस दे, आप रेफरेंस निकाल के दे देंगे, दे। दूसरी मेल आएगी कि अच्छा भी डॉक्यूमेंट्स कोई या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आपसे पूछेंगे, आप वो निकाल के दे दें, ठीक है। अगर आप जो है वो इसके बोल्ड हैं अपने उसमें जो है वो जो आपने कमिटमेंट की है उसके अंडर आप लाए कर रहे हैं, तो वो सिंपल जो है वो उसको वेरीफाई करने के बाद जो है दे देंगे। ये जो वीडियो बोर्ड कैंप आपके सामने लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है, मैंने बोर्ड कैंप में तो बाद में एडमिशन लिया था, ये सबसे पहले ये फ्री वाला ही आया हुआ है ये वाला, ठीक है। मैं भी आपके सामने ये फ्री वाला ही ओपन करके बैठा हूँ, इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है, जो बाद में मिला था, फिर उसके अंदर भी वही चीज़ ही थी। ये इसके बेसिक पे इसके बैकएंड के ऊपर जो कॉन्टेंट पड़ा हुआ है वो सारा एक ही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि फ्री वाले को कुछ और दे रहे हैं या पेड वाला उसको कोई और दे रहे हैं, मींस मिल सबको ये चीज एक ही रही है ये वाली, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अगर जिस क्राइटेरिया में लाइक करते हैं आप उसको जो है फॉलो करते हुए अगर आप पे कर सकते हैं तो पे करें, अदरवाइज अपने प्रूफ्स दें और उनसे जो है वो फ्री में ले लें, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसमें जी। फिर सर आप इनको 5 बार भी रिपीट करवा लेंगे ना, ठीक है, तब तक इनको नहीं आएगा जब तक ये नोट्स नहीं बनाएंगे, जो आप पढ़ाएंगे जहां से आप फंक्शन कौन सा ऑन करेंगे, जब तक ये नोट नहीं करेंगे तब तक इनको नहीं पता चलेगा। ये कंप्यूटर थोड़ी ना LMS अकाउंट, सर ये जो LMS अकाउंट पे अक्सर PDF फाइल्स होती हैं जो कोई भी प्रोफेसर मतलब बिल्कुल तैयार करके जो देता है, वो PDF फाइल अगर LMS अकाउंट में मिल सकती है तो वो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। भाई ये देखो ये है PDF की फाइल आपकी, सही है, मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ जो मैंने अभी जो है वो किया हुआ है, कहाँ है टैपटा वाला फुल, और ये हैं स्लाइड्स आपकी पूरे कोर्स की, सही है। एक ही दफ़ा मैं उठा के जो है वो कहीं कहे उसको डाल देता हूँ, कुछ नहीं बनता होता स्लाइड से, ये हमारे पाकिस्तानी दिमागों की जो है वो खराबी है बेसिकली कि स्लाइड्स आ जाएंगी वही सेम जो है वो हम फंक्शन अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी वाला के, वहाँ से भी जो है वो दुनिया जान के नोट्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है, फिर जो है वो पढ़ना हमने वही होता है एक दो टॉपिक उसके अंदर से, नहीं कुछ होने वाला है ऐसा नहीं। इस तरीके से कोर्स की आउटलाइन चाहिए, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है वो ले लें, ठीक है। इसके अंदर बाकी जो है वो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ टॉपिक जो है वो सही उन्होंने बताए हुए, ठीक है, ये आप ले लें मुझसे, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी शेयर भी की हुई है, अगर किसी को जो है वो नहीं तो फिर दोबारा भी आपको भेज देता हूँ मैं,
ये आप लें सर, ये ग्रुप में सेंड कर दें, और उसके बाद जो है वो ये आप उसको थोड़ा थोड़ा गूगल करना शुरू करें, आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये है इसमें, और वैसे जो है वो जो है यहाँ पर ये है बेसिकली यहाँ तक जो है वो ये ओपन किया हुए आप लोगों के, ये मैंने सारी स्लाइड की हुई है, बाकी वाली जो है जिस तरीके से टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आपको जो है वो इसका भी जो है वो आइडिया होता जाएगा कि ये है मेरे ख्याल में आपकी कोर्स आउटलाइन में चलता है। ठीक है सर, आप लेक्चर कंटिन्यू करें और ये हमें भेज दें, ये फिर हम सर्च करेंगे, जो चीज नहीं समझ आएगी आपसे पूछ लेंगे। जी बिल्कुल है, सही है। अच्छा अब जो है वो कल हमने ये बेसिकली देखा था कि जो है वो किसी वगैरह अमेज़न के साथ ओपन कैसे करते हैं और ये किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और इनका बेसिकली मकसद क्या होता है। इसमें किसी को कोई बात पूछनी है या किसी को कुछ नहीं समझ लगा तो मुझे बता दें, अदरवाइज देन जो है वो हम आगे नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये बात नहीं कर रहा था कि आप पूछते नहीं है कोई क्वेश्चंस हो तो हम, आप पूछते हैं दोबारा दोबारा पूछते हैं कि किसी को समझ ना आई हो तो पूछें, मैं आप पे ब्लेम नहीं डाल रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझाते सही नहीं है या आप पूछते नहीं है, बल्कि इसमें हमारे खुद की कोताहियां हैं, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है, बंदे को कोई काम पड़ जाता है हम चले जाते हैं, कोई चीज हमसे यानी रह जाती है। अब आप कह रहे हैं कि 15 सितंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, ऐसे ना सर? ये बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे कॉल आई थी 29 सितंबर को कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, 31st को मुझे जो है ना वो क्या हुआ था। अब जो है वो ये भी जो है वो क्या है, हमारे पाकिस्तानियों का यही हाल है ना कि मींस के अच्छा मतलब जहाँ पर हम अपने आप को देखते हैं कि हम फिट हो रहे हैं, हमने वहां पे भी अपने आप को घुसाना है, ठीक है, और जहाँ पर हमारी जगह नहीं भी बनती हमने वहां पे भी अपने आप को घुसाना होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या हुआ है कि हमने तो जो है वो मींस के एक बंदा जो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो इट्स मींस यू आर विलिंग टू गो टू यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है ना? जी सर। कि अगर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन देती है देन आप जाएंगे, आप जो है वो उधर अपना जो है एडमिशन लेके आप वहां पे पढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे, ऐसे ही है जी सर। हमारे पास जितनी हमारे पास एप्लीकेशन थी टॉप ऑफ आप ये क्लास 5 टॉप ऑफ का जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट किया और उनको जो है वो कॉल्स कर दी हुई है, ठीक है। अब कोई अब यहाँ पर ये बेसिकली ये वाला जो है वो कोर्स किन के लिए था, ये बेसिकली बैचलर्स के लिए था, मींस के जो यूनिवर्सिटी में है, बिकॉज उनके पास जो है वो स्टोर स्कोर कोई काम नहीं होता, यूनिवर्सिटी आपकी 2 से 3 घंटे की होती है, उसके बाद वो फ्री, ताकि वो उसको जो है वो इससे जो है वो करके 2-4 पैसे कमा सके। अब यहाँ पर जो लोग जो जिन्होंने एम फिल किया हुआ है, जिन्होंने पी एच डी की हुई है, सब ने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब वो जो जो एम फिल वाला है वो बंदा जो है वो कोई मैं देखता हूँ कोई बैंक जॉब में बैठे होते हैं, ठीक है, और कोई जो है वो टीचिंग कर रहे होते हैं जी सर, कोई मींस के इसके साथ साथ पैरेलल में कोई और भी एक्टिविटीज चला रहे होते हैं। अब मैं जो है वो रिसेंटली मैंने खुद एक बंदे को कॉल की, मैंने उनको कहा कि जो है वो आपको मैं हमने शॉर्टलिस्ट किया तो आप अवेलेबल हैं? अच्छा पहले मुझे कहते हैं जी मैं एम फिल करूँ, मैंने कहा फिर आप अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही है? कहते नहीं मैं ले लूंगा, मेरी यूनिवर्सिटी क्लास भी चल रही होती है वो भी साथ में ले लूंगा। मैंने कहा आप बताएं मुझे आपकी यूनिवर्सिटी क्लास की टाइमिंग क्या है? कहते जी वो जो है वो 9 से 2 बजे तक है। मैंने कहा ये 9 से 1 बजे तक है तो फिर कैसे लेंगे? कहते नहीं मैं मैनेज कर लूंगा, मैं 2 लेक्चर ले लूंगा। इज दिस पॉसिबल कि एक बंदा बैठा हो कि जो है वो 2 स्क्रीनों के ऊपर फोकस अटेंशन जो है वो लेके बैठा हो? मीन्स यही है ना कि मतलब जहाँ पर जो है वो आप अपने आप को फिट कर सकते हैं अपने वहां पर भी फिट करना है अपने आप को, जहाँ आप नहीं कर सकते वहां भी जो है वो घुसने की कोशिश करते हैं, तो वही काम हुआ है। अब जो है वो जिन लोगों को इनरोल किया था बेसिकली इनरोल पूरे 50 ही हो गए थे और 50 ही अलाउ थे, अब उनको चेक भी तो करना था ना कि दो है वो 2-4-5 दिन जो है वो चले भी किसी भी कुछ हो सकता है या उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं गई या फिर हमने मेल की थी उनके पास मेल नहीं गई। तो अब जब हमने देखा कि वो 5-6-7-8-10 दिन जो है वो नहीं कर रहे, वो नहीं रिस्पॉन्ड दे रहे, क्लास में नहीं आ रहे, देन डेफिनेटली न्यू स्टूडेंट्स ने वो कॉल की, तो इस वजह से 15 को स्टार्ट हुई
तो दो तीन आप इसमें दो दिन संडे तो संडे आ गए होंगे ठीक है, बाकी वाले दिन उनको टेस्ट किया उसके बाद जो है आपको कॉल की है, तो कॉलेज के तो इमन के जो है वो अभी नवंबर में भी चल रहे हैं ठीक है, अभी कुछ नवंबर में भी इनरोल किए हैं, अभी स्टिल जो है वो अभी 50 की कैपेसिटी आपके सामने अभी आप देख लें, आप 23 लोग हैं यहाँ पर ठीक है, और प्लस है वो यहाँ पर। अच्छा दूसरी बात मैं आपको फिर बताता हूँ क्या है, यहाँ पर कुछ लोग होंगे भी सही, मैंने इनको कॉल्स किया है, मैंने इनसे पहले पूछा है कि अच्छा भाई ये क्राइटेरिया है ठीक है, मैं ही आपका इंस्ट्रक्टर और मैं ही बात कर रहा हूँ डायरेक्टली आपसे ठीक है, आपको जो क्लास है ना वो पूरी 4 घंटे की, मुझे बताओ अगर आप अवेलेबल हो तो फिर मैं आपको एनरोल करूँ, नहीं अवेलेबल तो मुझे बताओ। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब देखिए क्लियर आवाज आ रही है जी सर, अब सही। मैंने उनको कहा अगर आप अवेलेबल हैं तभी मुझे बताएं, अगर आप अवेलेबल नहीं है तभी आप मुझे बताएं, ताकि क्या हो कि कोई और भाई को जो है वो एनरोल कर दें, दो के फुल टाइम अवेलेबल हो। उन्होंने कहा जी नहीं हम है वो अवेलेबल है, हमें एनरोल कर दें। मैंने उनको जो है वो एनरोल कर दिया, 50 के 50 लोगों को एनरोल करके ना ठीक है कॉल्स करी फिर एनरोल किया, और अभी आपके सामने रिजल्ट है। स्टिल अभी जो है वो कितने मीन्स के अभी 24 है ना ठीक है, देख लें आप 26 लोग अभी स्टिल मिसिंग है। तो ये तो इवनिंग में भी होता है, इवनिंग में भी शायद मेरे ख्याल में यही होता है सर, आप इवनिंग में नहीं करवाते? नहीं मैं इवनिंग नहीं करवाता। तो ये आप देखें बेसिकली ये तो जो है वो हाल है ठीक है। तो जी जी सर, तो सर इन 24 में से तो 8 या 10 तो और होंगे जो एनरोल ही नहीं है ऐसे बैठे हैं। एग्जैक्टली, तो जो है वो अब बेसिकली ये एक ओपन सेशन है, तो मैंने तो इसके किसी के ऊपर कोई लिमिटेशन लगाई कि चले जो है वो बताया जा रहा, तो जो बंदा जिसको चांस नहीं भी मिला थ्रू गवर्नमेंट चैनल तो वो भी अगर करना चाहता है तो कोई मसला नहीं है, जो है वो भी एटलीस्ट अगर वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कोई डिग्री वगैरह तो इसकी वैसी जरूरत नहीं है इसकी ठीक है, अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो ताकि उसको काम आ जाए ठीक है। बट आप ये देखें स्टिल आप सीरियसनेस चेक करें लोगों की कि जो है वो 50 को कॉल की है, इसमें से 10 तो पहले वाले थे ठीक है, और देन उसके बाद जो है वो बाकी जो 40 को कॉल की उसमें से भी जो है वो 15 लोग आए हुए हैं। अब आप इसमें बताएं कि जो है वो किस चीज का किस बंदे का कसूर है ठीक है। तो अगर हम जो है वो आपको जो जिनको जो है वो इनरोल किया हुआ है ठीक है उनको कहेंगे जी आपने 2 दिन ही जो है वो क्लास ज्वाइन नहीं की, ये लें जी आप स्टक हो, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो फिर कंप्लेन करेंगे जाके टप्टा में कि हमें तो चांस नहीं दिया, हम तो यहाँ बिजी थे हमें तो बताया ही नहीं, अब जो है वो हमें निकाल दिया होगा ठीक है। तो मीन्स के जो है वो एक बात होती है कि अगर आपने मेरे भी टीचर थे, मुझे उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपने किसी काम को नहीं करना ना उसके ना करने के ना 1000 बहाने हो सकते हैं ठीक है, और सारे वैलिड हो सकते हैं। सही बात, सही है। और अगर आपने किसी काम को करना है तो उसका एक भी बहाना नहीं बन सकता, वो आप किसी भी कंडीशन में जो है वो कर सकते होते हैं ठीक है। दिस इज द थिंग के वैसा हो सकता है। शुरू में मैंने ये बेसिकली यहाँ पर कंडीशन लगाई थी कि जो लैपटॉप पे बैठेगा वही जो है वो आएगा लेक्चर के अंदर। अब मैंने देखा जो है वो नई लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया ठीक है, नई जो है वो लिया तो फिर उसी तरीके से फिर उनको जो है वो डील किया ठीक है। तो इसमें जो है वो सारा ये ही नहीं देखें आपके बस जो है वो आपको ये वो वाला काम नहीं है गवर्नमेंटल के जो है वो अच्छा जो है वो 10 तारीख को शुरू हुई, 15 को उन्होंने स्टूडेंट्स कॉल किया, जो भी है 15 को जो है वो क्लास थी तो 15 को ही जो है वो स्टार्ट की थी और सब कैंडिडेट्स को ऑन बोर्ड करके ही स्टार्ट की थी। अब उन्होंने उसमें जो है वो ज्वाइन नहीं किया तो हम जो है वो ऑनलाइन तो मैं बच्चे पकड़ने से रहा, मैं उसको घर से उठा लाऊं उनको ठीक है। तो ये है इसमें ना इस तरीके से। तो अब जो है वो बाद में जो जिनके साथ कॉन्टेक्ट किया उनके साथ ये वाली कहानी है कि जो है वो क्लास की ताकि बच्चे पूरे किए जाएं, 50 जो लोग नहीं जा रहे उनको स्टॉक ऑफ करके जो है वो इधर किया जाए। अभी मैं आपको सामने आपके पोर्टल ओपन करके दिखा दूं, आपके जो है वो छुड़ जाएंगे 150 कैंडिडेट्स अलाउ हैं और उधर जो है वो LMS के ऊपर 100+ जो है वो रजिस्टर्ड है ठीक है। एक दफ़ा इनरोल किया फिर दोबारा स्टॉक ऑफ किया, फिर दोबारा इनरोल किए, फिर दोबारा स्टॉक ऑफ किए, इस तरीके से। सर जैसे ये न्यू इनरोल है ठीक है, और हमारा सेशन तो ये आपने बताया था December 31st को एंड हो जाएगा ना, जो न्यू अब इनरोल हुआ है इनका तो चलता रहेगा ना? नहीं ये जो है वो बैच बेसिकली ये एंड हो जाएगा। हाँ सॉरी, बैच तो एंड हो जाएगा, जो आपने न्यू इनरोल किए हैं जो कहते हैं हमने आजकल में ज्वाइन किया है, तो सर वो फिर उनका चलता रहेगा ना आगे जो न्यू बैच आएगा? ये बैच तो इसी में आ रहे हैं ना, इसलिए गर्ल्स जो ना फिर वो फटाफट काम देख लिए फिर आके दोबारा ज्वाइन कर लिए।
नहीं तो जो है वो वही है ना, मींस के सीरियसनेस नहीं है ना. अभी आप देखें जो है वो, अगर आप ये अब ये तो कोविड है, चलो जी कोविड की वजह से जो है वो मींस के ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, अदरवाइज ये तो क्लास तो फिजिकली होनी थी. ठीक है, काश के फिजिकल होती तो बहुत अच्छा होता. फिजिकल होती तो फिर जो है वो आप ये जाते, आप ये जो है वो कहते कि 40 मिनट बाद, अब 10 मिनट में हम जाके घर के काम कराएं उसके लिए. तो आप जो है वो इसको एज ए सीरियस लें. ठीक है, जितना टाइम है जो आपको बताया गया आप उस टाइम के अंदर बैठे, अभी स्टिल जो है वो 14 लोग हैं, 10 लोग आए थे. यही तो सर इनके साथ मसला है हर बार ये, यानी कि जब मीटिंग एंड होती है ना तकरीबन 4-5 दिन निकल ही जाते हैं काम का. नहीं मे भी किसी प्रॉब्लम भी हो सकता है, नेट का भी इशू हो सकता है, कोई और मसला भी हो सकता है, तो ये तो नहीं है. नहीं पहले भी तो चल रही होती है ना. देखिए ना ऐसा ऐसा आ रहे हैं, 15 हो गए. अच्छा सर मैं कुछ पूछ रहा था, जैसे कि कभी चल पड़ते हैं कभी नहीं चलते. कल मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था. क्या इशू आता है? नेट का इशू आ जाता है आजकल, नेट नहीं सही चल रहा हमारी तरफ. हाँ ये भी एक जो है वो हो सकता है वैसे, क्योंकि जो कभी कभार इधर भी जो है वो बड़ा वो होता है, बैंडविड्थ बहुत लो होती है, तो मे भी हो सकता है ये भी. चले जो है वो थोड़ा वेट करते हैं ताकि पूरे हो जाए लोग, फिर जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. तो 16 तो हो गए हैं, मैं 24 थे ना. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम सर. मैंने काफी दफा ग्रुप में कहा है कि दूसरे ग्रुप में ऐड कर दें कोई, तो किसी ने अभी तक ऐड नहीं किया मुझे. इनको ऐड क्यों नहीं करते भाई? कौन है दूसरा ग्रुप जो बनाया? आप नंबर सेंड करें ना अपना. नहीं 3-4 बार नंबर सेंड किया है, कहा भी है किसी ने ऐड नहीं किया अभी तक. कर लेते हैं, आप मुझे अपना इधर सेंड करें, मैं व्हाट्सएप में नंबर सेंड करता हूं. दूसरे ग्रुप का जो है वो एडमिन कौन है? मैं तीनों में, एक तो शबाना बाजी है प्रॉक्सी मार्केटिंग की सर, और दूसरों का मुझे भी ऐड कर देना जो ग्रुप न्यू बनाया. आप नंबर सेंड कर दें इधर, मैं कॉपी करके वहां पेस्ट कर देता हूं. ठीक है ओके. आप ऐसे करें ना जो है वो इनविटेशन लिंक निकाले वहां से और इधर पेस्ट कर दें, जो लोग जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें. सलामकुम सर. सॉरी सर वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से मैं बीच में ही निकल गया था. सर आप सही बात कर रहे हैं कि जो चीज है ना अवेलेबल, जो बंदे अवेलेबल नहीं है वो पहले ही बता देते ताकि दूसरों को अच्छा मौका मिल जाए सीखने का. सर मेरा खुद का भी जो है ना बहुत शौक है कि मैं सीखूं. सर फेसबुक पे एक पेज है उनका ई कॉमर्स का, मेरे ख्याल में उसका एडमिन है वो सनी अली सनी है, पता नहीं क्या नाम है. उस पर 2-3 वीडियो मैंने देखी थी, तो सर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखूं, तो जो चीज मुझे नहीं आएगी मैं आपसे पूछूंगा. अच्छा जी ये बिलाल अपना माइक जो है वो आप म्यूट रखेंगे अगर पीछे जो है वो हो रहा है तो. अच्छा जी कल हमने ये देखा था कि जो है वो जो वे ऑफ बेसिकली कम्युनिकेशन है वो क्या है. ठीक है, अगर आप जो बायर है वो सेलर से जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है तो थ्रू जो है वो अमेजोन के मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करता है. ठीक है, और अगर जो सेलर है वो बेसिकली अमेजोन से जो है वो बात करना चाहता है तो वो फिर क्या करता है, केसेस के थ्रू जो है वो बात करता है. ठीक है, तो वो अमेजोन की लैंग्वेज में इसको केस ओपनिंग बोलते हैं, तो आप केस ओपन करके अमेजोन के साथ जो है वो बात कर सकते हैं. ठीक है, तो कल हमने बेसिकली ये देखा था कि केसेस की टाइप्स कैसी होती हैं और किस तरीके से जो है वो केस को ओपन किया जाता है. ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है वो कोई मैंने आप लोगों को पहले भी कहा जरूरी है तो मुझे बताएं अब जो है, वरना फिर हम आगे चलते. केस ओपन करना आता है हर किसी को?
चले अच्छा अब क्या चीज सर, कल हमने केसेस को देखा था कि अमेज़न के साथ केस किस तरीके से ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसका जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं केसेस का जो है वो आइडिया है हर एक को किस तरीके से जो है वो अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं। नो सर, थोड़ा सा क्लू दे देंगे ना तो फिर। अच्छा चलिए मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अब इसमें ये जो हमने कल देखा था ये कि अगर आपने जो भी सेलर होता है वो डेफिनेटली उसमें उसके उसको जो है वो कोई ना कोई इशू जो है वो ज़रूर आया होता है, कोई ना कोई मसला बन सकता है जब आप अमेज़न के ऊपर सेलिंग कर रहे होते हैं। मीन्स इनकेस अगर आप जो है वो FBA कर रहे हैं तो आपकी जो इन्वेंट्री है कभी कभार वो जो है वो गुम हो जाती है तो उसकी जो है वो बातचीत करना पड़ जाती है, ठीक है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि अमेज़न आपसे ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहा होता है। अब अमेज़न ने बेसिकली जो चार्ज करना होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि बेस्ड ऑन प्रोडक्ट की वेट एंड डायमेंशन उसके ऊपर जो है वो FBA फीस जो है वो लगती है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की जो होती है, ठीक है। तो अगर जो है वो फीस समटाइम जो है वो ज़्यादा भी अमेज़न लगा देता है तो उसको जो है वो चेक करना हो तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि फिर हम अमेज़न को कहते हैं कि हमें वो क्यूबिकल स्कैन करके दे, मीन्स हमारे सामने जो है वो स्कैन करे तो उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा एक्चुअल जो है वो प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन जो है वो बेसिकली क्या है। अच्छा इसके बट ये जो सारा काम है ये करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अमेज़न से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो अमेज़न से बात करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, केस है, ठीक है। आप केस ओपन करते हैं अमेज़न के साथ और ये एक चैनल जो है वो ओपन हो जाता है कम्युनिकेशन का आपके और अमेज़न के साथ, ठीक है। इसको जो और तो है जो है वो करते हैं आपके पास तो देखे सर भी नहीं बैठे, भाग गया, मैं देखता हूँ जाके, ये जो है वो माइक म्यूट रखा है, मैं पूछता हूँ जाके। अच्छा जी स्क्रीन शेयर है आपके साथ, अच्छा अब जो है वो ये आपके पास अमेज़न का जो अकाउंट है वो बेसिकली जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है केस ओपन करने का तरीकाकार होता है कि आप हेल्प पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हेल्प पे जाएंगे आप। अब ये बेसिकली क्या है, ये आपको जो है वो यहाँ पर बता देगा कि आपको जो है वो क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी कुछ जो है वो टॉपिक डिफाइंड है यहाँ पर, अगर आपको टॉपिक आप समझते हैं कि जो है वो इससे रिलेवेंट है तो आप उसके अंदर चले जाएं, ठीक है, और जाके जो है वो देख लें आपके मीन्स के ऑलरेडी जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस हुए हुए हैं, अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप इधर जाके देख लें और आप अपना आंसर जो है वो वहीं से निकाल लें, ठीक है। अच्छा अगर जो है वो स्टिल आप समझते हैं कि नहीं जो मेरा प्रॉब्लम है वो इधर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई और मेरा मसला है, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये है कि आप गेट सपोर्ट पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा इधर जो है वो सेलिंग ऑन अमेज़न पे आप जाएंगे, ठीक है, इधर आप अपना इशू अगेन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और अगर आपका स्टिल जो है वो इशू अच्छा ये भी जो है वो अमेज़न के जो बैकएंड के साथ अटैच हुआ हुआ है और ये भी बेसिकली आपका डाटा फेच कर रहा है प्रॉब्लम जो क्यूरीज हैं वहाँ से, और अगर ये भी बेसिकली आपको बता देगा कि जो है वो कोई है मसला जिस तरीके से जो है वो अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट की, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब ये देखें सही है, मींस के अकाउंट फी क्या चक्कर होता है कि जब आप सेलिंग प्लान होते हैं, अगर आप सेलिंग प्लान जो है वो इंडिविजुअल पे आ जाएंगे तो उस वक्त आपको कोई फीस नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब आप प्रोफेशनल पे होंगे तो आपकी जो है वो फीस पड़ेगी। अब देखें उसने जो है वो उसको यूज करते हुए आपको निकाल दिया है, वो कहता है कि यस अगर आपको यही प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर इसको कंटिन्यू करें यहीं से और आप ग्रेड एंड डाउनग्रेड कर लें, ठीक है, तो मीन जो है वो फिर आप अपने जो आपकी फीस वाला जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, सही है, समझ लग रही है यहाँ तक सब लोगों को,
जी सर। अच्छा, अब जो है वो आपने कहा कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम का आंसर नहीं है, स्टिल मैं कोई और चीज जो है वो बेसिकली ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है, देन जो है वो आया है आपके पास, नीड मोर हेल्प, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस। अब आप जो है वो ये केस जो है वो आपका क्रिएट कर देगा बेसिकली अमेजोन के साथ, ठीक है, और यहाँ पर अपनी जो है वो इशू लिखें, फोन नंबर के साथ जाना चाहते हैं तो फोन नंबर के साथ चले जाएं, ठीक है, और अगर जो है वो मेल के साथ जाना चाहते हैं तो मेल के साथ चले जाएं, यहाँ पर जो है वो अपना इशू लिखें, ठीक है, और देन जो है वो उसको ईमेल जो भी आप देंगे उसके ऊपर जो है वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, और नंबर जो है वो जो भी आप यहाँ पर देंगे वो नंबर भी मे बी उसके आपको कॉल भी कर लेंगे, ठीक है, और प्लस जो है वो यहाँ पर एक ये साइन होता है चेकआउट का, ये भी मैंने कल भी बताया था कि समटाइम्स जो है वो कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिनको जो है वो इमीडिएट जो है वो अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है, मींस के जो है वो यूं कह लें कि आप अर्जेंट, यस अर्जेंट, ठीक है, तो उस केस में जस्ट आप उसको चेक करते हैं, ये इससे फिर ये होता है कि उनको जो है वो इंडिकेट हो जाता है कि ये जो केस है बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है और इस वक्त जो है वो इसके ऊपर एक फौरी तौर पर जब इंटेंशन चाहिए तो वो फिर क्या करते हैं उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो रियली जो है वो बहुत इंटेंशनेबल है, सही है, इमरजेंसी है, तो देन आप उसको चेकआउट करें, अदरवाइज फिर क्या होगा जिस तरीके से हम हेल्थ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अकाउंट की जो हेल्थ होती है वो क्या होती है डिफरेंट मैट्रिक्स के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है, तो उसमें से एक मैट्रिक्स ये भी होता है, ठीक है, तो अगर आप जो है वो इस तरीके से गलत चेक करते रहेंगे इसको, जब आपका कोई जो है वो इशू अर्जेंट था तब भी आपने जो है वो ये चेक कर दिया, इशू जो है वो आपका अर्जेंट नहीं था आपने तब भी इसको चेक कर दिया, तो फिर इससे बेसिकली होगा क्या, इससे फिर यही होगा कि जो है वो फिर के वो आपकी जो अकाउंट की क्रेडिबिलिटी है वो लूज कर जाएगा, ठीक है, फिर आपके केस को उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा, इवन कि अगर वो फ्यूचर में अगर आपको कोई इस तरीके का इमरजेंसी केस भी होता है देन फिर भी उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो फिर वही होगा, इसमें फिर ये होता है कि मीन विद इन हार्स जो है वो आपको क्या करते हैं रिप्लाई कर रहे होते हैं, अदरवाइज जो है वो फिर नॉर्मली जो है 24 आवर लगाता है अमेजोन किसी भी केस का रिप्लाई करने में, ठीक है, तो जी सर ये एक बेसिकली है तरीकाकार अमेजोन के साथ जो है वो केस ओपन करके, ठीक है, उसके साथ जो है वो बातचीत करने का, और ये जो टॉपिक वो बेसिकली आपको यही बताता है सारा कि पर्पस क्या है केस का, मीन्स मैंने आपको बताया कि हम केस ओपन करते क्यों हैं, ठीक है, और कैसे हम केस ओपन करते हैं, और ये जो इसके अंदर जो चीज़ आपने यूज़ करनी है और जो नहीं यूज़ करनी वो बेसिकली जो है वो ये था, सही है जी सर। आई होप के जो है वो सब लोगों को ये समझ लग गई होगी। अच्छा अब जो है वो आगे अच्छा इसके बाद देन आता है आपके पास नेगेटिव रिव्यूज एंड नेगेटिव फीडबैक रिमूवल, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि रिव्यूज और फीडबैक में फर्क क्या होता है। जो रिव्यूज होते हैं बेसिकली वो होते हैं आपकी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और जो आपका होता है मैं एक्सप्लेन करूं सर इसे? हाँ जी, ये रिव्यू जो होता है ना वो जो हम प्रोडक्ट यानी कि बाय करते हैं, कस्टमर आता है हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड रिव्यू देता है कि उसे बताता है कि मुझे प्रोडक्ट कैसी लगी है, अच्छी लगी या बुरी लगी, ठीक है, और यानी कि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड हो गया। और उसके बाद फीडबैक जो होता है वो सेलर सेंटर के रिलेटेड होता है, उसमें ये होता है कि फीडबैक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ तो मैं अगर उसको लेट भेज दूँ तो कस्टमर को चीज़ तो सही है लेकिन उसने कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे नहीं मिली तो आएगा सेलर सेंटर के ऊपर क्या करेगा नेगेटिव सर्विसेज के लिए हुआ ना ये जी। आप बेसिकली इसको कह सकते हैं कि जो रिव्यूज है वो बेसिकली प्रोडक्ट के लिए और जो फीडबैक होता है वो बेसिकली उस आपकी उस सर्विस के होता है कि आपने बेसिकली और कैसे किया है और आपका वे जो सर्विंग था वो कैसा था, जो आपने कमिटमेंट की हुई थी बेसिकली वो वैसे ही आपने उसके ऊपर आप आए या नहीं आए, तो ये समझ लगी सब लोगों को सर समझ आ गए। जो आप लोगों को रिव्यूज हैं वो बेसिकली प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो है वो नजर आ रहे होंगे इधर नीचे, ठीक है, ये बेसिकली इसके रिव्यूज हैं, ठीक है, जो आपको इस अमेजोन के प्रोडक्ट पेज के ऊपर ही नज़र आ रहे हैं, और ये है आपका जो है वो सेलर का फीडबैक जो कि आपको सेलर की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये आप जाते हैं इसके ऊपर इधर ये है ये, ठीक है,
सोल्ड बाय दिस, जो भी सेलर होगा आप उसके ऊपर जाएगा। अगर ये सोल्ड बाय अमेजोन है तो उसके केस में तो ये ओपन नहीं होता। अगर थर्ड पार्टी होती है जिस तरीके से हम लोग हैं जो कि अगर बेचना चाहते हैं अमेजोन पे, तो वो अमेजोन जो है वो हमारी प्रोफाइल जो है वो बायर को दिखा देता है कि अच्छा ये बंदा जो है वो बेच रहा है, और आप अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इस बंदे को जो है वो यहाँ से जाएगा आपके पास आएगा। अभी जो है वो ये सेलर की डिटेल्स अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी चाइनीज है कोई, सही है, चाइनीज है वो बेसिकली ये सेलर है, ठीक है। और ये है तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली इसके ये फीडबैक आ रहे हैं। अब ये जो है वो देखें, ये जो है वो फीडबैक आया हुआ है, अब ये रिमूव हो सकता होता है क्योंकि ये जो है वो देखें जहाँ पर आ गई ना बात ये प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ये रिमूव हो सकता है। अब इसने जो है वो यहाँ पर इसने इसको टेंशन नहीं दी तो ये एक अलग बात है, अब अदरवाइज है वो ये रिमूव हो सकता है। फीडबैक के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का कीवर्ड या नेम उसका यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो फीडबैक है सिर्फ सेलर के लिए कि उसने जो है वो बिहेव कैसा किया, उसने सर्व कैसा किया, ठीक है। अब जो सर्व किया अगर वो खराब था तो वो फिर आप क्या करेंगे, अपना जो जो भी आपके व्यूज हैं वो आप एक्सपेक्ट करेंगे इस रिव्यूज की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब जो ये फीडबैक है ना ये तो रिमूवल हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। अब जिस तरीके से ये है कि दिस प्रोडक्ट रिप इमीडिएटली आफ्टर पुटिंग क्लॉथ इन इट एंड लिफ्टिंग इट अप, इट वॉज नॉट इवन फुल, हाउ कैन आई गेट अ रिफंड, ठीक है। कि मतलब उसका जो है वो कहना ये है कि मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका मटेरियल अच्छा नहीं था और ये फट गई है, मतलब कि सारे अभी कपड़े अंदर रखे भी नहीं थे तो वैसे ही जो फट गई है, तो मतलब मैं जो है अपने पैसे कैसे वापस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ जो भी है। तो ये बेसिकली आना चाहिए था यहाँ पर रिव्यूज में, ठीक है, बट उसमें जो है बस अगर फीडबैक में ये दे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर जो है वो बेसिकली सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो फीडबैक आ रहे होते हैं, बट यहाँ पर इसको सारे जो है वो लोग यही प्रोडक्ट से रिलेटेड दे रहे हैं, तो ये जो है वो केस हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो जो उसकी सर्विस जैसी वो ऑफर कर रहा होता था उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर ये आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको जो है वो फिर आगे जो है वो कि कैसे आप इसको रिमूव करवा सकते हैं नेगेटिव। अच्छा फिर ये क्या होता है कि मीन्स कि जो आपका अब इस तरीके से 1 स्टार तो ये नेगेटिव कहलाएगा, ठीक है, 5 स्टार तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये होता है अगर आपने इसको रेट किया होगा तो। अब ये जो नेगेटिव है वो डेफिनेटली अगर फीडबैक जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं तो ये भी फीडबैक एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक होता है जो है वो आपके अकाउंट की जो हेल्थ है उसको जो है वो कैलकुलेट करने में। अगर जो है वो ये आप समझ लें कि अगर ये जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक्स आ रहे हो तो फिर अमेजोन जो है वो आपसे इन्वेस्टिगेट करता है कि सब प्रॉब्लम किया और क्यों जो है वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो इसको तो आप जिस तरीके से इसने प्रोडक्ट का नेम लेके ले लिया है तो यहाँ पर इसको तो आप रिमूव कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी ये हम जो है वो ये देखें जो है वो ये बेसिकली जो है वो रिव्यू के सेक्शन में आना चाहिए था, हमने जो है वो एक्सीलेंट सर्विस ऑफर कर रहे हैं या व्हाट्सएप जो भी इस तरीके से आप उसको कह रहे हैं एक डिप्लोमेटिक जो है वो लैंग्वेज यूज़ करके कि जी ये तो हमारा मसला ही नहीं है, ये इन्होंने फीडबैक दिया हो तो अमेजोन ये फीडबैक रिमूव कर देगा। अब जो है वो जब बात आती है ना इन रिव्यूज़ की, ठीक है, कि ये जो इसके ऊपर जो नेगेटिव रिव्यूज़ आए होंगे डेफिनेटली यहाँ पर होंगे अगर इसने वायलेशन नहीं की होती तो। अब इस तरीके से ये है 1 स्टार रिव्यूज़ इस तरीके से ये है, ठीक है, वेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो है वो जो रिव्यूज़ है ना ये बेसिकली इस तरीके से इतनी आसानी से जो है वो अमेजोन रिमूव नहीं करता, ठीक है। और आप समझ लें कि अनटिल अनलेस आपके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं हो इनसाइड द अमेज़न, ठीक है, तब जो है वो आपके ये रिव्यूज़ वगैरह में भी हो सकता है कि डिलीट हो जाए नेगेटिव। अदरवाइज जब इतनी आसानी से अमेज़न जब एक दफ़ा वो अब वो चाहे सही तरीके से आ गया चाहे आपके कंपेटिटर ने डलवा दिया, ठीक है, ये भी तो होता है ना कि मतलब जो है वो जब आप जो है वो आए इस पेज के ऊपर, ठीक है, आप नए सेलर पे, अब जिस तरीके से यहाँ पर ये है ये वाला एक बंदा है 298 रिव्यूज़ वाला, दैन डेफिनेटली जो है वो ये इन दोनों की सेल्स जो है वो ग्रैब कर रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जो है वो इसके ऊपर बायर जा रहे होंगे। तो अब ये इन तीन लोगों को जो है वो ये बंदा बुरा लग रहा होगा तो फिर इन्होंने इस पर लड़ाई शुरू होगी, इन्होंने इसको जो है वो कोई ना कोई नेगेटिव रिव्यू दिलवा दिया। नेगेटिव रिव्यू से क्या होती है आपकी डी रैंक स्टार्ट हो जाती है तो ये आपकी सेल्स जो है वो कम हो जाती है। तो अब जो है वो ये जो नेगेटिव रिव्यू आ गया हुआ है अब चाहे जो है वो
आपके पास सही तरीके से आया चाहे गलत तरीके से आया, चाहे आपके साथ जाती है या फिर जेन्युइन था, वो फिर स्टक हो जाता है लिस्ट के ऊपर। वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ठीक है वो नेगेटिव रिव्यूज जो है वो रिमूव हो जाए। यहाँ पर आपको बताया होगा ये वाला रिव्यूज, ठीक है सर। बायर अपना रिव्यू जो नेगेटिव देता है उसे अगर रिक्वेस्ट की जाए तो वो अगर करना चाहे तो वो उसको अपडेट कर सकता है और उसको जो है वो 5 स्टार में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर जो है वो जो भी आपके साथ कंपनसेट करना चाहे उसको कर सकता है। अदरवाइज अगर आप जो है वो ये चीजें लेके जाते हैं ना अमेज़न के पास, तो अमेज़न जो है वो आपकी बात नहीं सुनता होता सेलर की। इस मामले में ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, बायर ने जो बात बोली है ना वो बात बेसिकली सही थी आपकी, आप जो है वो ये अपनी खुद तारीफ नहीं करें, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो है वो ये इस बात के ऊपर तो मैं भी हूँ कि चले नेगेटिव जो फीडबैक है वो रिमूव हो जाते होते, ये हमने भी बहुत दफ़ा करवा के देखे होंगे, ठीक है। बट ये जो नेगेटिव रिव्यूज़ है ना ये इतनी जल्दी जो है वो रिमूव नहीं होते, और सम टाइम तो होते ही नहीं है। बस ये जो है वो बस ऐसे इन्होंने यहाँ पर ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया हुआ है। बट ये है कि इसका तरीका कार भी बेसिकली अगर रिमूव करवाने का है, अगर आप इस चक्कर में आए कि आप रिमूव करवा लें, तो इसका बेसिकली फिर तरीका कार यही होगा कि आप फिर वो अमेज़न के साथ केस ओपन करें, उनको सारी सिचुएशन अपनी एक्सप्लेन करें, वो फिर आपके केस को ओवरलुक करेंगे। और अगर जो है वो कोई आगे बंदा जो है वो समझदार आपको मिल गया है, ठीक है, और वो समझते हैं आपकी कंडीशन को, तो मे भी हो सकता है कि वो रिमूव कर दें। बट ये है कि चांसेस बहुत कम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फर्क रिव्यू और फीडबैक के अंदर, ठीक है। और ये इनके जो रिमूविंग का होता है ये प्रोसेस होता है। दोनों केसेस में रिमूव करवाने के लिए आप अमेज़न के पास जाते हैं, और वो जो रिमूव कराने के लिए जो भी कारण है वो यही होता है कि आप केस ओपन करके जो है वो फिर आप अमेज़न के पास जो ये है वो रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा, और उसके मेरा क्वेश्चन जी सर ये है कि जब हम बायर को कहेंगे कि वो अपना जो रिव्यू उसने दिया है इसको रिमूव करे या फीडबैक को रिमूव करे, तो उस टाइम बायर से बात करते हुए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या डोज एंड डोंट्स होने चाहिए बायर से बात? हाँ यस, ये इसमें बेसिकली ये होता है कि आप उससे बात करते हुए जो है वो ये कहें कि जी अच्छा हमारा एक छोटा सा फैमिली बिजनेस है, ठीक है, और हम सब इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, आपके रिव्यूज की वजह से हमारी सेल्स डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, हम जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे मार्केट के अंदर, या हमें जो है वो मींस के कोई सेल्स रिलेटेड इशू आ रहे हैं, या अमेज़न जो है वो हमसे किसी इंक्वायरीज जो है उसने स्टार्ट कर दी है, तो काइंडली आप जो अपना रिव्यूज जो है वो अपडेट कर दें, या जो है वो फिर आप जो है वो अच्छा फिर ये होता है ना कि इसका एक एग्जैक्ट फार्मूला मैं नहीं आपको बता सकता। फिर आप जो है वो बायर की नेचर को देखेंगे वो किस तरह का, अगर तो वो लालची है ना तो आप उसको रिफंड ओपन कर देंगे, अच्छा ये जो आपने मतलब के एक डिप्लोमेटिक वे में कि मीन अच्छा जो आपने परचेज की थी ठीक है, अगर आप जो है वो इससे कुछ नहीं है तो आप प्रोडक्ट भी रख लें, हम आपको जो है वो आपकी जो मनी है वो भी रिफंड कर देंगे, तो सो ऑन इस तरीके से जस्ट आप जो है वो अपना रिमूव जो रिव्यू है वो चेंज कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है वो उसके साथ होता है कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, VPN जो है वो यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। पहले मैं एक VPN जो है वो लगाता हूँ सब ब्रॉक्सिक का, एक होती है वेबसाइट fastpeople.com, ये वैसे जो है वो इस VPN इससे जो है वो नहीं होगी, अगर जैसे अभी इसको जो VPN लगाते हैं तो फिर ये जो है वो एक्सेस होगी। ये फ्री VPN सर जी ब्राउज सर हम बायर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे या केस ओपन करेंगे बायर से बात करने के लिए? नहीं आप जो है वो बेसिकली उससे डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो रिव्यू देगा उसके यानी कि रिप्लाई में करेंगे ऐसे।
जी ऐसे ही। अब ये लग गई है इसको, जो सक्सेस डिनाइड आ रही है, यूएस का लगा के देखते हैं। ये होना तो चाहिए, एक मिनट ऐसे इसको देखते हैं। चलो उसने डिटेक्ट कर लिया पहले, हमने उसको जो है वो किसी और से जो है वो इसी आईपी से यूज किया था उसको। सर मेरे पास भी आ रहा है, भी आ रहा है, आपने वो किया है पहले? मैं कह रहा था इसकी कैशी जो है वो रिमूव की, तो फिर बहुत सारे मसला बन जाने। चले खैर जो है वो यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ जिस तरीके से, ये देखें यहाँ पर है ये पास पीपल के ना, यहाँ पर वो इमेजेस निकाल लेते हैं ठीक। ये ठीक है, ये जनाब होता है इसका जो है वो ओवरव्यू ठीक है। अब इसके अंदर से जो है वो जब अमेज़न का ऑर्डर आता है तो आपको जो है वो बेसिकली बायर्स की इंफॉर्मेशन होती है ना, उसका नेम और उसका एड्रेस, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ रही होती है। और आप वो चीज़ जो है वो नेम उसका जाके यहीं पर डालते हैं ना ठीक है, और थोड़ा सा एड्रेस या जिप कोड उसको दे देते हैं, तो वो उसने ना इसने उसके पूरे खानदान की जो है वो उठा के ना चीज़ें आपके सामने ला देता है, ये जो है वो कन्फर्म्ड है ठीक है। तो मीन्स के जो है वो आपको ठीक है, तो फिर उससे मतलब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये जो बंदा है उसका ये कॉन्टैक्ट वगैरह है, ये मैं आपको मीन्स के कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको मिल जाती है, तो फिर जो है वो आप उससे मतलब रब्ता छापता एक जरिया बन जाता है। आप उसको कहते हैं कि अच्छा जो है वो ये आप जो है वो मतलब ये अपोलोजाइज करें या जो भी है आप उससे जो है वो कहते हैं, तो वो देन जो है वो फिर आप उसको जो है इस तरीके से यहाँ से जाके उसको कम्युनिकेट कर सकते होते हैं ठीक है। तो ये बेसिकली इसका होता है एक तरीक़ाकार के बायर के साथ जो है वो आपने किस तरीके से बायर को ढूंढना है और किस तरीके से जो है वो फिर जाके आपने उसके साथ जो है वो बातचीत करनी है ठीक है। तो ये आपने कुछ बातें जो है वो क्या रखी है सर, इसमें ये भी तो हो सकता है कि इसका एग्जैक्ट डाटा भी तो हमें नहीं मिल सकता, यहाँ पर वैसे अक्सर जो है वो आया होता है इसमें, अदरवाइज इसके अलावा फिर जो है वो पेड होते हैं तो वो आप जो है वो उनके साथ आप कर सकते हैं। मैं जो है वो शायद आपको ये मेरे पास ये लगा हुआ है इसका जो है वो यहाँ से आपको
हाँ ये यूके का जो है वो पड़ा हुआ सर्वर, इसके ऊपर देखते हैं अगर यहाँ से ओपन हो जाती है तो जो है एक्सेस किया होगा यूके के पीसी को। फर्स्ट पीपल सर्च और ये यहाँ से भी हैव नहीं कर रही है, इसको जो है मसला आया होगा शायद ये। ये जो है वो मेरे ख्याल से कोई ये पेड है ये, ठीक है, लेकिन जो fastpeople.com है, ठीक है, fastpeople.com का आया fastpeople.com, आई थिंक उनकी जो वेबसाइट है ना बैक एंड का कोई इशू है। तो यहाँ से जो है वो आप इनको जनाब देते हैं जो है वो उसका नेम लिखते हैं बायर का और जस्ट उसका जो है वो जिप कोड देते हैं, तो वो वहीं से जो है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको देता है कि अच्छा ये बंदा जो है वो यहाँ यहाँ रहता होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो है वो आपको इजीली उसका जो कॉन्टेक्ट वगैरह वो मिल जाता है, तो वो उससे जो है वो आप वो जो भी मसला होता है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो है वो लोग मान जाते हैं, बट जो है वो फिर कुछ देख ले मीन्स के सिचुएशन को देखना पड़ता है, अगर जो है वो अगर जो है वो नहीं मान रहे हो तो फिर यही होता है कि आप जो है वो छोड़ दे उसको जो है वो, फिर आप क्या करें, फिर आप जो है वो इस नेगेटिव रिव्यू को या फीडबैक को रिकवर करने के लिए आप फिर और पॉजिटिव रिव्यूज या फीडबैक ले मीन्स और ज्यादा फाइव स्टार जो है वो आर्टिफिशियल रिव्यूज जो है वो डलवाना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो भी उसका एक तरीके कार से, तो उससे जो है वो ये होता है कि फिर आप चले उससे जो है वो कंपनसेट हो जाता है जी। आप ये खुद कोई रिव्यूज या फीडबैक रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपकी एक्सेस में नहीं होता होता, ये अमेजोन के पास ही इसका एक्सेस होता है और उन्हीं के साथ जो है वो आप केसेस वगैरह ओपन करके तो उन्हीं को कहते हैं तो वो जो है वो आपके लिए काम करते हैं जी। सर यहाँ पे ये उसने नेगेटिव रिव्यू दिया है पेज पे, तो हम यहाँ पे उसके साथ बिल्कुल वो हर बात शेयर नहीं कर सकते कि आप रिफंड ले लें या इस तरह का कुछ भी। आप उसको जो है वो ये नहीं कह सकते कि रिफंड लेके तो फिर जो है वो इसको अपडेट कर देना, ये तो फिर जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा ना, फिर अमेजोन विद इन अमेजोन सिस्टम सब कुछ चल रहा होगा तो वो फिर अमेजोन आपको अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि ना आप किसी के साथ जो है वो इंसेंटिवाइज जो है वो रिव्यूज लेना वो जो है वो अमेजोन के ऊपर जो है वो उसके अगेंस्ट है, ठीक है, TOS के, एंड किसी को जो है वो कुछ कंपनसेट करना इन टर्म्स ऑफ मनी वो उसके अगेंस्ट है, तो मीन्स देन आपने उसकी पॉलिसी को वायलेट कर दिया ना, मीन आप किसी को जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि वो जो है आपसे पैसे लेके कुछ ना कुछ आपके लिए करे आपके फेवर में कोई चीज़ दे, तो ये फिर जो है वो ये तो फिर आप खुद ही पकड़े जाएंगे अमेजोन में, तो ये हो सकता है कि आप उसको, हाँ ये आप कह सकते हैं कि जो है वो हम आपको ऑर्डर रिफंड कर रहे हैं बस यहाँ तक, अब बाकी जो है वो ऑर्डर रिफंड करने के बाद आप कहें कि जी रिव्यू को जो है वो फाइव स्टार में कन्वर्ट कर दो या जो अपना रिव्यू जो है वो वापस ले लो या व्हाट्सएप जो इस तरीके की चीज़ है वो आप इस तरीके की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज अमेज़न ने पकड़ लिया तो फिर जो है वो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। सर सिंपल रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि ये डिलीट कर दें? नहीं नहीं ये आप इसलिए क्योंकि कोई बात नहीं कर सकते, अगर आपने ये बात की तो फिर आप
बस ये फिर जो है वो फिर आप दुआ करें कि किसी वक्त जो है वो ट्रिगर ना हो, जब जो है वो एल्गोरिथम ने उसको ट्रिगर कर लिया फिर वो जो है वो उसको हाईलाइट कर देगा, देन वो फिर अकाउंट चला जाता है मैनुअल रिव्यू के अंदर। इसको जो है वो फिर बेसिकली आपके ह्यूमन जो होते हैं वो बेसिकली फिर उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो वो उस वेरिफिकेशन से फिर जाँच करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस टोटल डिपेंड ऑन आवर कम्युनिकेशन, ऐसे ना सर? जो है वो पहले भी जो है वो था ये, बट ये है कि अब मैंने जो है ये सीखा है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो होती है ना वो आपकी एक कम्युनिकेशन जो स्किल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर पे जो अगर आपका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है और इंटरनेशनल है तो इसके अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बड़ी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी मैं आपको छोटा सा जो है वो इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ये कि एक जो है वो हमारे पास क्लाइंट आया आप वर्क पे, ठीक है, तो वो जो है वो पहले चार पांच जो है वो पाकिस्तानियों से बात कर चुका था, ठीक है, देन उसके बाद फिर उसने मुझे इनवाइट किया और एक मीटिंग हुई, तो मैंने जो है वो उसको कभी भी ये नहीं कहा था कि अच्छा मुझे जो है वो आपको क्या कम इसको ऑफर करेंगे या व्हाट्सो एवर जो भी है। सबसे पहले उसका क्या हुआ था कि हमने उसका जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस किया, आइडेंटिफाई किया कि उसका इशू क्या है, सही है, एंड देन उसके बाद जो है वो उसको मींस कि हमने बताया कि हम इतने चार्ज करेंगे। और आप इमेजिन करें कि अगर कोई चार्ज कर रहा था ना उससे किसी ने उसको 1x का कहा है तो मैंने उसको 3x कहा है कि हम आपसे जो है वो ये चार्ज करेंगे, एंड देन फिर भी जो है वो आया है, फिर भी उसने जो है वो प्रोजेक्ट ऑफर हमें ही कर दिया वो वाला। तो ये कुछ चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन आपकी जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी होती है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सर, कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो अपवर्क के प्रपोजल हैं उसको लिखने के लिए एक कोर्स है, वो मैंने शायद ऑलरेडी भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया हुआ था, वो है मेरे पास, अगर वो पे लेना चाहे तो वो ले लें, ठीक है, तो वो देखे, वो बहुत 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 जबरदस्त कोर्स है। जी सर, वो भी आप सेंड करें, लेकिन आप थोड़ा अपनी वर्डिंग में प्लीज बता देंगे। इसमें बेसिकली यूँ होता है कि आप जो है वो मीन्स टू बी प्रोफेशनल रहें, कभी उसको जो है वो आप ये ना बोलें कि हेलो फ्रेंड या जिस तरीके से ये, सही है, मीन्स आप हर दफ़ा जो है वो एक सर का वर्ड यूज करें, ठीक है, एंड देन जो है वो बाकी जो है वो उसमें आप उसको हो सकता है कि इन केस ऑफ जो है वो अपवर्क तो इसमें ये है कि आप उसके प्रॉब्लम को जो है वो घुमा फिरा के ना उसके ऊपर ही डाल दें, ठीक है, कि मीन अच्छा आप उसको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, इस तरीके से, तो ये होता है, तो इससे जो है वो फिर मीन्स कि आपको पता लगे कि अच्छा भाई अगले बंदे को भी जो है वो पढ़ने को चले कि यस उसने जो है वो कुछ ना कुछ इसको आइडेंटिफाई किया और उसको एक्चुअली पता है कि करना क्या है, तो ये होता है इसमें। सर, अगर हमें हमारे काम का कोई हमसे एक्सपीरियंस मांगे हैं जो हमने काम किया हुआ है वो अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपकी बात आती है ना एक्सपीरियंस की, ठीक है, तो ये अब जो है वो हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता होता है और हर बंदे के अपना अपना एक स्टाइल होता है इसको वो करने का, तो मेरे एक्सपीरियंस में तो बेसिकली यही रहा है कि जो है वो आप क्या करें, यहाँ पे जो भी मीन्स की जो सच बात होती है ना आप वो कर दें, अगर आप न्यू भी हैं तो उसको कह दें कि नहीं मुझे नहीं एक्सपीरियंस नहीं हूँ मैं, ठीक है, और जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट या व्हाट्सएवर जो है इस तरीके से, तो ये एक है इसमें। अगर आप क्या करेंगे, आप जो है वो उसको झूठ बोल के कह देंगे कि नहीं मैं इतना एक्सपर्ट हूँ और मुझे ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो फिर आपसे जो है वो एक्सपेक्ट भी फिर उसी तरीके से करेगा, ठीक है, मींस कि अगर आपने अपने आप को जो है वो एक्सपर्ट बोला हुआ तो वो फिर बोलेगा ना कि अच्छा आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे ये मेरा प्रॉब्लम है आप इसको ये सॉल्व करके दें, फिर जब आप नहीं सॉल्व करके देंगे तो फिर उसका जो है वो फिर रिजल्ट क्या होगा, फिर उसका रिजल्ट बेसिकली यही होगा कि फिर जो है वो यही कि वो फिर
आप यूँ समझ लें कि जो है वो लाइक एक जो है वो माहौल गर्म हो जाएगा, सही है, आपके और क्लाइंट के दरमियान में, तो में उसमें जो है वो हो सकता है कि फिर आपके चांसेस जो है वो चाहे जो है वो आपको पे कर दे, बट उसमें ये होगा कि फिर चांसेस ऑफ नेगेटिव रिव्यूज़ जो है वो भी बढ़ जाएंगे, सही है। फिर ये होगा ना कि मतलब आप, और दूसरी बात इसमें बेसिकली ये होती है कि मीन के हमारे यहाँ तो, यहाँ तो फिर हमारे यहाँ तो एक चले वो चीज़ है ना कि अच्छा भाई अच्छा इसने जो है मेरे साथ धोखा किया, कोई नहीं, ये आखिरत में जो है इसका जवाब दे होगा, ठीक है। गौरों के यहाँ तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता ना, बिकॉज वो तो ऐसी कोई बातचीत पे नहीं होती ना, वो फिर आपको एंड तक लेके जाते हैं, सही है। वो फिर क्या करते हैं कि फिर इन रिजल्ट जो क्या होता है आपके प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज आए होते हैं, सही है। तो इसमें फिर ये होता है कि इस वजह से जो है वो जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यही है कि आपको जो चीज़ आती है आप जस्ट वही आप उसको जो है वो क्लेम करें, ठीक है, वो वही बताएं उनको। और इसमें जो है वो ये है कि आप थोड़ा सा कहीं एक्सपीरियंस ले लें पहले, ताकि आपको चीज़ों का पता हो, फिर उसके बाद जो है वो आप उसको चलाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप जो है वो जो भी आपका मतलब उसको लेवल आप उसको ये बता दें कि अच्छा भी मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये है इसमें। तो फिर इसके लिए हमारी जो है वो मार्केटिंग वैल्यू जो है वो बनती जाती है, तो हमारा वो जो होगा वो पेयर होता जाएगा हमारा खुद का खुद के ये आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा वैसे ही हम उसको गेन करते जाएंगे, और इस तरह से सेटअप हमारा जो है वो बनता जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, आप ये देखें जो है वो अब कुछ जो हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम चलती कहाँ पर है, जो लोग होते हैं ना वेल स्टेब्लिश, ठीक है, जो सेलर होते हैं वेल स्टेब्लिश जिनके बिजनेस ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उनको चाहिए होता है नेक्स्ट लेवल के लोग जो कि उनके बिजनेस को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँ और ग्रो करें उनकी जो है वो सेल्स को ना। अब उधर जो है वो बेसिकली फिर वो लोग तैयार होते हैं क्योंकि उनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा होता है ना, तो वो ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं, ठीक है। और जब वो ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं तो वो एज पर उनकी ज़्यादा पे क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज इस लेवल की होती है ना, ठीक है। जो भी बंदा वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर ले जाएंगे, तब हम आपको जो है इतना पे कर सकते हैं, सही है। तो एक न्यू पे के लिए ये जो है वो रिकमेंडेड होता है कि आप जो है वैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हाथ ही ना डालें, आप बेसिकली जो है वो उठाएं जिनके अपने खुद के अभी जो है वो स्टार्टअप हुए हों, ठीक है, जो मीन्स अभी खुद अपने जो है वो स्टार्टिंग फेज के अंदर हो, ठीक है। तो मीन्स उधर जो है वो उनको भी मतलब इतना कोई खास कर आप ही समझ लें कि नॉलेज सॉलेज नहीं होता, ठीक है, और वो मीन्स उससे जो है वो बात जो है वो चल जाती है कि चलें आपका एक्सपीरियंस हो जाता है मतलब, बट ये होता है कि वो आपके जो हाईली पेड नहीं होते लोग ना, वो वाले मतलब को वो आपको जो है वो यूँ समझ लें कि ज़्यादा आपको वो पेड नहीं करते होते। इन टर्म्स अगर आप बात करें कि जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं लोग वो आपको इवन के $40-$50 पर हार के ऊपर भी पे करते हैं, बट ये कि जो न्यू होगा वो आपको इतना पे नहीं करेगा, वो आपको हार्डली जो है वो $5-$6 जो है वो पर हार जो है वो पे कर देगा। तो फिर लोग क्या गलती करते हैं, लोग फिर यही गलती करते हैं कि अच्छा न्यू होते हैं देन उसके बाद हार डालते हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट लेवल की जॉब के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर अगर वो किसी तरीके से कर करा के जो है वो चले बायर्स को जो है वो कर करा के झूठ वगैरह बोल के वो ले भी आते हैं प्रोजेक्ट, तो जब एक्चुअल जो है वो जब काम करने की बारी आती है तो वो फिर नहीं उसको परफॉर्म कर पाते, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट में बेसिकली यही होता है, दो चार पैसे तो जो है वो उनके पास ज़रूर आ जाते हैं, बट जो है वो और ये जो नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं जो इस तरीके से ये चीज़ें फिर आती हैं प्रोफाइल के ऊपर, वो समझने के वो फिर आपको ले डूबती हैं। तो ये एक ये ऑनलाइन के वो ना मशहूर है एक ना कि पाकिस्तानी अदालतों से अगर आपने इंसाफ लेना है ना तो आपको जो है वो हज़रत आदम की उम्र, फिरौन का ख़जाना और हज़रत जो है वो यूसुफ उनका जितने सब्र चाहिए, चाहिए शायद हज़रत याकूब इनके इतने ना, ये तीन चीज़ें मतलब आपके पास हों तो आप जो है वो पाकिस्तानी अदालतों से जो है वो इंसाफ ले सकते हैं। तो यही सेम रूल आपको अप्लाई होता है फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है। तो मीन्स आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है, आप जो है वो आप भूल जाएं कि जो है वो पहले दो तीन महीने में जो है वो आपको कुछ आएगा, अब कंटिन्यूस आपको काम करना पड़ेगा, आप काम करते जाएं बट फिर देन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा
वो आपको रिटर्न बैक करेगा और ये करेगा, ऐसा ज़रूर है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो आपको रिटर्न बैक ज़रूर करता होता है। ऐसा नहीं होता था कि आपने जो है वो 5-7 महीने जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर काम किया है एंड देन जो है वो उसने आपको रिटर्न नहीं किया। अगर आपने उसको जो है वो कंटिन्यूसली और उसके ऊपर जो है वो डेडिकेटली काम किया है तो रिजल्ट जो है वो ज़रूर आते हैं। ये जी जी बिल्कुल, आप जो है वो स्टार्टअप से जाएं, ठीक है, मीन्स जिनके अपने स्टार्टअप हों, ठीक है, तो उधर जो है वो ताकि आपको जो है वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जब आप वंस यू आर एक्सपीरियंस देन जो है वो मार्केट में आए देन आपकी वर्थ भी होगी, लोग आपको हाईली पेड भी करेंगे। सर अपवर्क के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनको तो काइंडली एक्सप्लेन कर दें इसका क्या मतलब होता है कि अपवर्क के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, हमें 20 कॉन्टैक्ट मिलते हैं हमारी प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा नहीं, वो कनेक्ट होते हैं कॉन्टैक्ट नहीं, उनका क्या पर अच्छा कनेक्ट, वो कनेक्ट कनेक्ट क्या मतलब, उनका पर्पस क्या होता है? सर आपने ये भी कहा था कि मैं अपवर्क पे भी काम करवाऊंगा, तो सर कब स्टार्ट करवाएंगे? मैं बेसिकली आपको कोई काम नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कभी भी जो है वो पिंगली पकड़ के नहीं लेके जाऊंगा। मैंने जिस तरीके से आपको फाइवर का बताया था, ठीक है, उसके वहाँ तो हमने गिग्स वगैरह अपलोड की हुई है सर, वो समझ में भी आ गया, थोड़ा सा आप वहाँ पर भी इसी तरह गाइड कर दें। वो जो है वो अभी आगे आता है ना, वो अपवर्क का मेरे ख्याल आगे पोर्शन है, तो जब उसकी जो है वो बारी आएगी तो उसको उस टाइम के ऊपर मुझे पूछा था उस बारे में, चलो ठीक है। ये है ना मेरे ख्याल में आगे है आप लोग, ये है तो ये आपका 11th टॉपिक है, जब ये आएगा इसका टाइम आएगा तो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी जो कनेक्ट्स बेसिकली होते हैं वो ये होते हैं कि मींस जो है वो अपवर्क के ऊपर जो क्या था कि ये बिडिंग सिस्टम है, ठीक है। पहले तो मेरे ख्याल में ये अपवर्क के ऊपर ना शायद पहले ये सीन हुआ ही नहीं करता था कि जो है वो ये कनेक्ट्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं, और ये हो ना मीन्स बायर जो है जो क्लाइंट होता था वो अपनी जॉब पोस्ट करता था और बाकी जो लोग जो है वो उसको मींस अपनी ऑफर सेंड कर रहे थे। बट अब जो है वो इन लोगों ने क्या किया है, अभी जो है वो इन्होंने ये कनेक्ट्स वाला जो है वो सिस्टम निकाल दिया हुआ है। उसमें ये होता है कि मींस के बेस्ड ऑन बायर्स की प्रोफाइल, क्लाइंट की प्रोफाइल और उसके प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जो है वो फिर उसकी हर जॉब की जो है एक डिमांड होती है कि मींस के जो है वो इस जॉब के ऊपर अगर आपको अप्लाई करना तो फिर आपको मींस के 6 कनेक्ट चाहिए या 4 चाहिए या 2 चाहिए, ठीक है, तो उसके बदले में इतने कनेक्ट जो है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है आपकी जॉब, मीन्स आपने एप्लीकेशन दे दी। सिंपली जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में नौकरियाँ निकलती हैं और लोग जो है वो अंदर दोनों अप्लाई किए पड़े होते हैं चलान पे कर करके, तो समझ लें वो कनेक्ट जो है वो उधर ये चलान है, आप चलान पे किया वो उधर बैंक में और इधर जो है वो अपवर्क और आप उस आपने उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जो कनेक्ट जो होते हैं मीन आपने फॉर एग्जांपल प्रपोजल डाटा एंट्री का सेंड करना है और तो सर उसके लिए आपको अलग परचेज करने पड़ेंगे, और बाकी तो फॉर एग्जांपल आपने एक बुक कीपिंग का करना है प्रपोजल तो सर उसके लिए अलग करने पड़ेंगे परचेज, यस एक ही कनेक्ट नहीं एक पहले सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी जो प्रोफाइल ना वो बेसिकली सेटअप की जाती होती है, जो आपकी प्रोफाइल होगी वो अगर आपकी डाटा एंट्री की प्रोफाइल है तो वो आप अमेज़ॉन के ऊपर नहीं चल सकेगी, ठीक है, यही सबसे लोग बड़ी गलती करते होते हैं कि प्रोफाइल जो है वो कुछ होती है और जॉब्स के ऊपर कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता होता, ठीक है। अगर आपने जिस टाइप की आपने जॉब्स अप्लाई करनी होती हैं, ठीक है, आपको फिर जो प्रोफाइल्स है वो भी बेसिकली उस टाइप की आपको बनानी पड़ती होती है। अच्छा दूसरी बात यह होती है कि ये जो कनेक्ट होते हैं ये बेसिकली बेस्ड होते हैं ऑन योर जॉब, आप जितनी जॉब्स अप्लाई करेंगे उतने आपके कनेक्ट जाएंगे।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, कनेक्ट दिए थे, अब आप दूसरी पे भी तीसरी पे भी इस तरीके से नहीं। जितनी जॉब अप्लाई करेंगे उतने कनेक्ट्स आपके जो है वो जाएंगे। असल में जो है वो कुछ जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो इसके ऊपर फिर आते हैं और फुल फ्लैश आते हैं। ठीक है, अभी जो है वो मेरी अभी रिसेंटली बात हो रही थी किसी बंदे से, तो उसने जो है वो 80,000 के कनेक्ट्स जो है वो एक महीने में लगा दिए। ठीक है, 80,000 के कनेक्ट्स बेसिकली ये 15-20 जो है वो मेरे ख्याल से अपवर्क आपको जो है वो इनिशियली ऑफर करता है, देन आपको बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मीन्स कि उसने 80,000 के जो है वो कनेक्ट्स जो है वो लगा दिए इसने जॉब ऑफर कर करके, देन उसके बदले में उसने जो है वो $2,000 वहाँ से निकाल भी लिए मंथली। तो ये होता है इसमें कि जो लोग जो है वो जिसके ऊपर फिर जाते हैं इन्वेस्ट करते हैं तो वो फिर वहाँ से जो है वो निकालते भी हैं। सर ये जो 20 कनेक्ट होते हैं हमारे पास, जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर हमें नए परचेज करने पड़ते हैं ऐसे शुरू में? बिल्कुल, कनेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे तो आपने जॉब के ऊपर आगे अप्लाई करना, तो फिर आप नए डॉलर्स में क्या इनका होता है, आई मीन कितने डॉलर्स के कितने कनेक्ट होते हैं? मेरे ख्याल में 1.5 के ना 10 कनेक्ट होते हैं $1.5 के, या फिर जो है वो इसका जो है वो मुझे आई थिंक जो है वो रेट का आइडिया नहीं है, बट ये है कि सर मेरे ख्याल में $12 में 80 कनेक्ट उसकी नाम मेरे भाई बता रहे थे। हाँ, $12 में 80 कनेक्ट में भी हो सकता है, बट ये है कि मुझे तो जो है वो ये कनेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अच्छा जब एक दफ़ा आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए ना आपका, क्यों पता है ना आपको इन्विटेशन खुद ब खुद आने लग पड़ते हैं, मतलब आपको वो फिर खुद ब खुद लोग जो है वो इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ काम करें हमारे साथ काम करें, फिर आपको सब जो है वो कनेक्ट की कहानी भी नहीं रहती। ये सर एज अ बिगिनर हमें अपवर्क पे जाना चाहिए? जी अपवर्क के ऊपर जो है वो थोड़ी जो है वो फ्रेश जॉब भी आई होती हैं। ठीक है, और दूसरी जॉब भी आई होती हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप वो जाएं उसके ऊपर, लेकिन ये है कि जो आपकी समझ में आ रहा है और जो आपकी पहुंच में है आप वो चीज़ जो है वो उठाएं तो वो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। सर ये जो रिव्यू बैक है इसमें हम कस्टमर को सोशल मीडिया के जरिए भी तो फाइंड कर सकते हैं, अगर उसका नाम वहाँ पर देख लें तो उस नाम को हम फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर लें और वहाँ से भी तो उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यस, ऐसे ही है जो है वो आप बंदे को जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन निकालने तो डिफरेंट जो है वो साइट्स भी होती हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देती हैं, आप वहाँ से उनसे निकलवा सकते हैं। ये डाटा स्क्रैपिंग का जो है वो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो मैं देख रहा था कि ये लोग तो इसके ऊपर बेसिकली जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जो है वो लीड्स निकाल के दें, मतलब डिफरेंट जो है वो कॉन्टैक्ट्स निकाल के देने के लिए वो उनसे आप ये काम कर सकते हैं। सर मैंने सुना कि अगर अपवर्क पे न्यू अकाउंट हो तो आपको यानी कि न्यू करते कोई काम नहीं देते। नहीं, ये बात अपने गलत सुनी है। तो इसके मतलब कोई वो करते हैं हमको काम मिलेगा अपवर्क पे भी और फाइबर पे भी? अब मैं जो है वो ये तो नहीं कह सकता कि आपको डेफिनेटली जरूर काम मिलेगा, ठीक है, आप सारे लोग जाके जो है अपवर्क पे प्रोफाइल बना के और काम करना शुरू कर दें फिर कहें जी जो है वो हमें नहीं मिला, तो हर काम को नक्कल करने का एक तरीकाकार है ना। ठीक हो गया, तो उसमें ये है आपकी, आप मुझे नहीं पता कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, आप बायर को कन्विंस भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपने आपको जो है वो एज ए किसी भी चीज़ को अगर आपने परफॉर्म करना है तो अपने आपको एज ए बायर्स के जो इशू है उसमें जो पुट करके देखना आप। ठीक है, तो मीन्स कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो फिर आप क्या करते, तो देन फिर अपने आपको आप देखेंगे यस के ठीक है अगर मैं आता तो मैं भी ऐसे कर लेता। ठीक है, तो फिर तो चले आपकी फिर बात मतलब बनेगी कि यस अगला बंदा भी कन्विंस हो जाएगा, जब आप समझ रहे हैं कि नहीं अगर मैं आता तो मैं इससे कन्विंस नहीं होता तो फिर आप सेम फीलिंग दूसरे से रखें तो ये वो भी फिर ऐसे ही होंगे। ठीक हो गया।
जैसे प्रोफाइल पे भी होता है ना सर काफी जी, ये प्रोफाइल पहले चेक करते हैं फिर काम देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके जो है वो जो प्रोफाइल होती है उसकी हिस्ट्री के ऊपर भी एक, ये हिस्ट्री है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता होता है कि मीन आपकी जो है अगर आपने पहले इस तरीके के काम कर रखे होते हैं तो वो आपसे जो है वो आपकी हिस्ट्री को देख लेते हैं, देन आपका जो हायरिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो अब आप ये देखना कि जो है वो हर बंदा चाहता है कि उसका जो काम है वो बेसिकली सही हो, ऐसे ही है ना, ठीक है। yes, अब जो है वो लाइन में जनाब पांच लोग आए होंगे, ठीक है। अब जी दो मिनट के लिए आप सपोज कर लें कि आप जो है वो कोई भी आप क्लाइंट है, आपको किसी को हायर करना है, लाइन में पांच लोग आए होंगे, एक उसमें से फ्रेश है सही है और बाकी वाले जो है वो क्या है एक्सपर्ट है, तो आपकी सबसे पहले क्या अप्रोच होगी, आप किन को हायर करेंगे जो एक्सपर्ट है? डेफिनेटली जो क्लाइंट होगा वो भी तो यही सोचते हैं ना कि एक्सपर्ट को जो है हायर किया जाए ताकि काम सही से हो। अच्छा फिर जो है वो आपको जो है वो हायर करने की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यही कि आप जो है वो अगर जो एक्सपर्ट है वो अगर $10 मांग रहा है तो आप कहें कि नहीं यार ये मैं जो आपका काम जो है वो $4 में या $5 में कर दूंगा। फिर जो है वो यहाँ पर कुछ बंदे जो है वो कुछ लालची भी होते हैं इसमें, ऐसे ही है ना जी जी, काम हो जाए। हाँ पैसे भी कम लगे, पैसे भी कम लगे तो फिर जो है वो वाले जो होंगे लोग वो आप उनको ग्रैब कर लेंगे, तो उससे फिर क्या होगा जब आपने उनको ग्रैब कर लिया तो फिर आपके चले अकाउंट की जो आपने काम किया वो आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी बन गई एंड सेम ऑन सो ऑन, इस तरीके से लगे रहे। फिर आपका एक दिन आएगा आप भी फिर एक्सपर्ट में जो है वो कैलकुलेट होंगे, जब आप उसमें हो रहे होंगे तब फिर आप हो जाए अपनी डिमांड करेंगे आप, सही है जी। तो ये एक जो है वो बेस सिंपल सा फार्मूला होता है जो लोगों को समझ नहीं आता, वो जो है वो शुरू से वो कहते हैं कि अच्छा इसने जो है वो $20 पर हार के ऊपर बिड किए तो मैं भी जो है वो 20 के ऊपर बिड कर दूं, तो भाई उसके पास हिस्ट्री है ना, आपके पास वो नहीं है, तो ये होता होता है। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिक पर्पस क्या है, मतलब कि अपना खुद का बिजनेस स्टेबल करना या कंपनियों के साथ मिलके उनको मतलब डील करना? अगर तो जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट का बेसिकली जो पर्पस होता है वो तो ये होता है कि असिस्टेंट मींस ये होता है कि जो आपको असिस्ट कर रहा है, ऐसा ही है ना। वर्चुअली मींस के वो मीन्स कहीं से भी जो है वो रियली आपके पास नहीं है, वर्चुअली भी जो है वो कहीं से भी किसी का नहीं है, वो वर्चुअली जो है वो आपको कहीं से भी जो है वो हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। मकसद तो बेसिकली ये है कि हेल्प आउट जो है वो हो रही है किसी भी। अब आगे जो बात आती है कि जो है वो अपना बिजनेस किया जाए या लोगों को काम किया जाए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो और रिसोर्सेज हैं, आप समझते हैं कि मैं अपना ये काम सेटअप स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आप अपना काम सेटअप स्टार्ट करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं है ऐसा, अदरवाइज फिर ये है कि आप लोगों के साथ मिलके जो है उनके लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। बट इसमें ये होता है कि इसमें आप अच्छी अमाउंट बना लेते हैं एज कम्पेयर टू योर गवर्नमेंट जॉब्स, योर प्राइवेट जॉब्स एंड बाकी सारी जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए उनको कंपेयर किया जाए तो उससे जो है अच्छा एक जो है यहाँ से कर लेते। पाकिस्तान के अंदर मतलब के वर्चुअल असिस्टेंट का क्या स्कोप हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी फैसिलिटीज हैं अपने मतलब यहाँ पे के हम इसको यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल बड़ी है, बट ये है कि मैं तो पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करता टू बी ठीक है, बट ये है कि मुझे ऑफर तो बड़ी आती है कि जो है वो काम किया जाए, बिकॉज थोड़े बहुत जो है वो होते हैं ना कि हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं कि अच्छा हम क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पर जानते हैं ना कि मार्केट में जो है वो 15-20 हज़ार जो है वो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो पाकिस्तान के अंदर ये फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, सियालकोट हो गया और कराची जैसे शहरों के अंदर चलो समझ आती है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहावलपुर जैसे शहर के अंदर जहाँ पे एक्सपोर्ट्स या इससे रिलेटेड किसी भी चीज की कोई आई थिंक कोई ना तो मार्केट है ना ही लोगों में इस किस्म का कोई सेंस है कि वो यहाँ से कोई मतलब की चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो वो फैसिलिटीज है ना ही आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस कोर्स को करने का करवाने का मतलब क्या क्या फायदा होगा लोगों को जो लोग अभी कर रहे हैं?
अच्छा पहली बात तो ये है कि ये जो लोग है ना ये सारे सारे भावलपुर से ही नहीं है, ठीक है, मीन्स कि ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, मैं भी बेसिकली भावलपुर से ही हूँ, सही है जी जी। तो ये जो है वो आप इसको नहीं कह सकते कि जनाब इस एरिया के लोग हैं तो उस पर नहीं होगा, ये आपके ऊपर होता है बेसिकली। और मैं जो है वो भावलपुर में, मैं आपको बताता हूँ, भावलपुर में जो है वो हम लोग उस वक्त सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते थे गूगल में, ठीक है, जब SEO का SB किसी को पता नहीं होता था, और हम उस वक्त जो है वो 15-16 हज़ार ट्रैफिक जो है वो पर डे होती थी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। ये काम हर बंदा कर रहा होता है, ये अलग बात है कि कोई किसी को बताता नहीं है, वही वाली कि जो है वो अच्छा ये जो है वो कल के हमारे कंपेटिटर ही ना बन जाए, ये फिर जो है वो हमारी ही सेल्स में ले रहा हो, ये काम बाकी हर हर एक नुक्कर भी आप कोई भी उठा लेना वहीं से भी लोग आपको मिल जाएंगे, काम कर रहे होते हैं, ज्यादा बात का फर्क नहीं है। नहीं सर, असल में बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अपना अपना ये शहर है बहावलपुर के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स या इससे रिलेटेड कोई भी चीज ऐसी नहीं है मार्केट में, कि ना ही तो मतलब कोई एक आधा बंदा यहाँ पे डेवलप कर सकता है इतनी बड़ी मार्केट को कि वो यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट कर सके या इम्पोर्ट कर सके इस तरह के। तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि बहावलपुर के अंदर इसका मतलब कि क्या कोई स्कोप वगैरह, तो अपने शहर के अंदर बेसिकली इतने लोग चाहे जितना मर्जी करते रहे जैसे आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप भी हैं वो आपका भी सियालकोट से एक लिंक बना हुआ है कंपनियों के साथ इधर उधर, तो मैं असल में वो पूछना चाहता था कि अपने बहावलपुर को इससे क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने मैंने चूंकि आपको पहले भी बताया था कि मैं खुद भी करता रहा एक्सपोर्ट का काम, तो बहावलपुर में वो चीज बंदा कर नहीं पा रहा अकेला, उसे किसी दूसरे शहर जाना ही पड़ेगा। नहीं ये जो है वो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तभी आपको भी ये आएगा, वीए का इससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली अच्छा चले ये तो बात आती है कि आपकी प्रोडक्शन पाकिस्तान से है, तो ये तो हमारी सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन थी पाकिस्तान से, उसके अलावा जो भी मैंने आपको एक्सपीरियंस ही बताया कि कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उसके अलावा बाकी जितनी भी जो है वो हैं प्रोडक्शन वो सारी चाइना में है। अब चाइना तो कोई बंदा विजिट, अब हमने तो चाइना विजिट नहीं किया हुआ ना, हम जो फिर इसको कैसे कर रहे हैं, तो ये सब रिमोटली हो जाता है, सब चीज हो जाती है, ये नहीं वो बड़ी मतलब आप नहीं कह लें कि अगर आपने वी एस सीखना तो इसके लिए ये नहीं है कि आपकी जो कंट्री है वो जो सिटी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हो, ये कोई जो है वो कंडीशन नहीं है। वो होता है सर कि मतलब कि हर सिटी एक स्पेसिफिक चीज में मतलब कि उसके पास वो एक इतनी फैसिलिटीज होती हैं कि वो उस चीज को हैंडल कर रही होती है, जैसे अपना सियालकोट है वो सर्जरी का और स्पोर्ट्स को हैंडल कर रहा है काफी बड़ी मकदार के अंदर, तो इसी तरह फैसलाबाद के अंदर जो अपना कपड़ा वो बहुत तैयार होता है, मतलब एक मखसूस एरिया ये है कि फैसलाबाद और जैसे सियालकोट दोनों है, ये बेसिकली जो बिजनेस कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल वे में बिजनेस कर रहे हैं, मींस ये कंटेनर भेज रहे हैं बाहर सिर्फ, जी जी सर कर रहे हैं। हम जिस सप्लायर से हम लोग जो है वो ले रहे थे ना तो उसको भी पता नहीं था, उसके भी जो है वो बाद में आंख खुली कि अच्छा इस तरीके से आप तो पाकिस्तान होते हैं फिर आप किस तरीके की चीजें बेच देते हैं, कहते हैं हमें तो सर्वे करने पड़ते हैं बाहर के जाके, ठीक है, तो मींस कि ये जो है वो नहीं है कि इस तरीके से ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूरी और प्लस जो है वो प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हों, ठीक है, और इस तरीके की जो है वो काम वगैरह हों। नहीं सर देखें अभी जैसे अभी आप अमेज़न के मतलब अभी हमें मतलब कि सर्च करके बता रहे हैं दिखा रहे हैं, तो जितने भी अभी हमारे मतलब स्टूडेंट मेरे भाई जितने भी बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है पहली बात तो ये कि ना उनको उस चीज का मतलब पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कि वो है क्या, तो अभी अपने इस एरिया के अंदर तो ऐसा कोई भी यूनिट नहीं है कि जहाँ पे वो जाकर विजिट कर सकें या जज कर सकें या इस चीज को समझ सकें कि प्रोडक्शन बेसिकली हो कैसे रही है, होती कैसे है, उसको किस तरह से आगे हैंडल करते हैं, कितने प्रोसेस हैं, तो वो चीज वो सारा आपको बता रहे हैं ना यहाँ पर कि आपने बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करनी है, वो एक देखें पूरा फेज गुजरा है, जो लोग ओल्ड बैठे हैं यहाँ पर उनको पता है कि किस तरीके से मीन हमने कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग कर देनी है कि उसका एक प्रोसेस है कि इस तरीके से आपने उसको सर्च करना है, देन उसके बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक आया था सोर्सिंग करते हैं कि आपने जो है वो सोर्सिंग कैसे करनी है और कहाँ कहाँ से जो है वो उसके सप्लायर्स जो है वो निकालने हैं, ठीक है, एंड देन जो है वो फिर हमारे पास एक प्रोसेस आया था शिपमेंट्स क्रिएशन का, हमने अभी रिसेंटली देखा कि मीन अमेज़न को अपने सारा सामान जो है वो किस तरीके से भेजना है,
ठीक है, एंड देन उसके बाद अब ये देखें, अभी ये जो है वो ये चल रहा है कि अमेजोन के साथ अगर आपको कोई इशू आता तो कैसे रिजॉल्व करना है। देन नेक्स्ट फेज है यहाँ पर कि अगर ये जो फिर जो है वो जो सामान है वो बेसिकली उसको बेचना भी तो है ना, तो फिर उसको रैंक कैसे करना है और किस तरीके से जो है वो लिस्टिंग को वैल्यू ऑप्टिमाइज करना है, तो ये चीज़ वो चीज़ें तो पहले हो चुकी हैं सारी। नहीं अभी जो है वो इसमें से अभी ये कुछ होने वाली है ये वाली। मतलब सर हमारे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। नहीं आपके हिस्से में ना एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज आएगा जो कि लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का है, जो जिसमें मतलब मैं खुद बहुत एक्सपर्ट हूँ। ठीक है तो ये है तो सर फ्रेंडली क्या मेरी एक दफा आपसे मुलाकात हो सकती है? नहीं दस दफा हो सकती है। आ जाए आप जो है वो जी सिटी कॉलेज में आ जाया करें इस टाइम पे। अच्छा मतलब आप जी सिटी से इस टाइम मतलब लाइव चल रहे हैं? जी ऐसे ही। ठीक होगा सर, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है इसी शोबे से, तो मैं इसलिए जरा मिलना चाह रहा था आपसे। जी जी जरूर। ठीक होगा, ठीक होगा, थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह। ओके सर, मेरे ख्याल में इस कोर्स के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। ये 6 महीने 1 साल किसी कंपनी में अगर लगा दें तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। जी ये बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही बात की है। अगर जो है वो आप किसी कंपनी में चले जाएं ठीक है, और उन कंपनी में जाकर ना एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका सिस्टमेटिक वे क्या है इस काम करने का, ठीक है, और प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से एक फ्लो में ये वर्क हो रहा होता है, ठीक है, जो कि आपको फिर फ्यूचरली जो है वो आपको फिर हेल्प भी करता है। ठीक है, आपके फ्यूचर में जब आप अपने इंशाल्लाह कंपनी को ओपन करने लगते हैं तो आप, क्योंकि मैं एक कंपनीज के अंदर जो है वो इस तरीके से होके आया हूँ तो अब मुझे पता है कि किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो लेके चलना होता है किसी भी चीज़ को। तो इसका ये होता है कि अब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी में जो है वो काम वगैरह करके आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ तो यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं होता ना कि मींस बस जो है वो ऑन द टाइम ही सब कुछ हो रहा होता है, बट ये होता है कि कंपनीज के अंदर एक कंप्लीट जो है वो SOPs बनती हैं, सही है, एक टाइम एंड प्रोसीजर होता है उसके अंदर। मींस आपको एक जो है वो यू समझ लें कि वो एक आपको टास्क दिए जाते हैं जो कि आपने उस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो कम्प्लीट करने होते हैं। तो ये होता है बेसिकली उधर ना कंपनीज के अंदर आपको ये चीज़ जो है वो जो है वो मिल जाती है। तो काइंडली कंपनीज के लिए लिख दीजिएगा क्योंकि आपके रेफरेंस होंगे ताकि हम जो है ना उन पे वहाँ पे अप्लाई कर सकें। सर भावलपुर में एक कंपनी स्टार्ट तो हो रही है इसी टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट, आईटी से रेलेवेंट। सर ब्रेन के नाम से कोई है से कोई ऑफिस इधर जो है ना, मैंने देखा है कमर्शियल एरिया में। काफी बड़ा सेटअप है उनका, उसकी जॉब्स भी उन्होंने जो है ना एडवर्टाइजमेंट की हुई थी और जो है। हाँ जी, तो मैं भी आपको नॉलेज हो आपको पता हो शायद वो इसी हवाले से IT के हवाले से तो है सर। वो आप देखें IT के अंदर बहुत सारी चीजें जाती है ना, ये अमेज़न जो कि लगा इसी फील्ड है ये वाली। मे बी सर हो वहाँ पर इस तरह का कोई उनका सेटअप। हाँ मे बी हो सकते है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी सर वो स्टार्ट नहीं हुआ उनका, अभी उनके इंटरव्यू हुए थे तो कहते हैं मैंने वहाँ पढ़ा था जाजी गुजरते हुए, तो मे बी वहाँ पे अगर हुआ तो फिर कोशिश करके देखेंगे, ये भावलपुर नहीं हो जाए तो वेरन गुड है। नहीं सही है। बाकी सर आप कह रहे थे ना कि मैं आपको रेफर कर दूंगा मीन के कंपनीज में आप ही कोर्स कर लें, तो सर अगर ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड है। जी जी बिल्कुल जो है वो अगर हुआ तो जो भी बंदा जाना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंपनीज है। सर ट्राई है, बाकी सर लक है हमारी, ट्राई करेंगे वहाँ पे कुछ आपका रेफरेंस भी हो जाएगा।
अरे एक बीबीसी में एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था इंस्ट्रक्टर से, तो उसने पूछा था कि मेरे हमारी दो प्रोडक्ट थी जो हम सोर्स कर रहे थे चाइना से, एक अच्छी चल रही थी दूसरी हमने स्टार्ट की, उसका हमने जो मैन्युफैक्चरर से उससे तस्वीर ली, हमने पिक ली उससे, तो उसने जो हमें पिक दी वो किसी और ने ऑलरेडी वेबसाइट पर लगाई हुई थी, तो वो तस्वीर जब हमने अमेजोन पे लगाई तो उस बंदे ने रिपोर्ट कर दी कि ये देखिए उसने रेफरेंस दे दिया कि ऑलरेडी मेरी तस्वीर है, मेरा जो है ना मैंने बनाई हुई थी, तो इस वजह से अमेजोन ने वो हमारी लिस्टिंग जो है वो ब्लॉक कर दी है। उसका क्या सर इसमें अगर ऐसा होता है कि हम अपने मैन्युफैक्चरर से तस्वीर लेते हैं उस प्रोडक्ट की और हमें वो किसी और की तस्वीर जो है ना वो हमें दे देता है, तो अगर ये हो जाता तो इसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए? इस पे बेसिकली ये होता है, सबसे पहली बड़ी बेवकूफ़ी तो ये होती है कि आप अपने एक बिजनेस होता है उसके ऊपर जो है वो रिस्क के ऊपर लगा रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द 40-50,000, ठीक है भाई। जब और मैंने आपको पहले बताया था कि पीएल के लिए एटलीस्ट जो है वो आपका पाकिस्तानी अमाउंट में 15-20 लाख तो लगता ही है अगर आपने पीएल करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है वो फिर वही सोच चल जाती है, वो लालच आ जाता है कि अच्छा भाई जो है वो चले अभी पिक्चर्स आ रही हैं तो इनको बाद में सेट करवा लेंगे जो कर लेंगे, बट ये इमेजेस जो होती हैं वो बेसिकली आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर होती है। ये आपने आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली बाद में जाती है बायर्स के पास, पहले जो है वो उसको इमेजेस नज़र आती हैं, तो बाइंग डिसीजन किसके ऊपर हुआ? इमेजेस के ऊपर हुआ। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने किसी की इमेजेस उठाई हुई हैं तो अब जब एक अमेजोन खुद जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है सेलर को, अगर आपके किसी ने कोई चीज़ जो है वो चोरी कर ली तब हमें बताएं हम उसको सस्पेंड कर देंगे, तो जब आप पेज वन पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप उसकी सेल्स कुछ ना कुछ तो आप उसकी सेल्स ग्रैप करेंगे ना, तो उसकी सेल्स डाउन होंगी, तो ये बात जो है वो उसके लिए एक अच्छी तो उसको अच्छी तो नहीं लगेगी ना, तो वो तो हर एक मुमकिन कोशिश करेगा कि जो है वो आपको जो है वो डाउन किया जाए, ठीक है, ताकि वो अपनी सेल्स ज़्यादा कर सके। फिर ऊपर से जब आपने फीचर उसके उठा कर रखी हुई है तो उसके पास एक बहुत सॉलिड जो है वो चीज़ आ गई, ठीक है, तो वो उसने तो आपने आपको जो है इमिडिएटली रिपोर्ट कर देना है, तो गलती इसमें फिर आपकी ही होती है कि आपने उसकी इमेजेस पहले यूज़ की थी। अच्छा फिर जब आपने और मैन्युफैक्चरर से इमेजेस लेके लगाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ठीक है, जो लोग अक्सर करते हैं ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप कभी भी जो है वो दूसरों की इमेजेस यूज़ नहीं करें, आप अपनी इमेजेस जो है वो यूज़ करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब अगर हो जाए, ठीक है, और अगर ऐसा हो गया है और आपने जो है वो इमेज यूज़ की और वायलेशन आ गई है, तो उसका यही है कि जो है वो फिर आप सेलर सपोर्ट के साथ कॉन्टैक्ट करें, उसको जो है वो इमेजेस वो वाले रिमूव करवाएं, ठीक है, देन फिर अमेजोन का केस ओपन कर दें कि अच्छा गलती से जो है वो हमारा वी ए था या व्हाट्सएप जो भी था उसने इमेज ऐड कर दी, तो हमने जो है वो ये कर दिया हुआ है। अमेजोन के साथ काम करने का बेसिकली तरीकाकार ये है कि आप जो है वो अपनी गलती तस्लीम करें अपने किसी के अंदर ना, आप उसको ये ना कहें कि आपकी गलती थी या जो भी था, फिर जो है वो कभी भी आपके जो है वो यूँ समझ लें कि जो हैं केसेस वगैरह वो रिजॉल्व नहीं होते। ये भी एक एक्सपीरियंस बात है, जितने भी जो हमने सक्सेसफुल केसेस जो रिजॉल्व होते देखे हैं उसमें यही था कि आपने अपनी गलती तस्लीम की, आपने कहा अच्छा मुझसे ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, मैं ये करूँगा इस तरीके से अमेज़न में रखने के लिए आ जाए। अब जिसके अंदर जो है वो आपने कीड़े निकाले और आपने कहा नहीं ये आपकी गलती थी, ये आपने यूँ किया, ये आपने यूँ किया, तो वो फिर आप करते रहें फिर इस तरीके से, वो फिर आपको आगे से आगे से आगे से आगे भेजते जाते हैं, सही है। तो ये है, तो इसका मतलब प्रोसीजर क्या है कि अगर आपसे जो है वैसा काम हो गया हुआ है तो आप उसको जो है एडमिट करें और जो है उसको जो है वो कहें कि जो है वो ऐसा हो गया।
शफाला भाई, आप एज ए स्टार्टअप जो है ना टूल्स खरीद करके आप जो है ना उन पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं किसी को, क्लाइंट्स को प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं, उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उनको सोर्सिंग करके दे सकते हैं, चाइना से सोर्स करें और प्रोडक्ट करें मैन्युफैक्चरर से, वहाँ से उनके प्रोडक्ट के हवाले से उनको सोर्स करके दे सकते हैं एज ए स्टार्टअप, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। एज ए स्टार्टअप अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको काम नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टूल है जैसे हीलियम 10 है, ज़्यादातर कीवर्ड रिसर्चिंग वैसे हीलियम 10 से ही होती है, अगर आपके पास हीलियम 10 है तो आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। आप जाएंगे फाइवर के ऊपर या फाइवर के ऊपर अपने फाइवर के ऊपर अपने गिग बनाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे आई विल डू फॉर यू प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल है तो और अच्छी बात है, लेकिन कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो बड़ा ईजी काम है, वो आप कर सकते हैं एज ए स्टार्टअप। काशी भाई आपने इसकी गिग अपलोड की हुई है, पब्लिश की हुई है? नहीं मैंने ना, मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं ना किसी सीनियर के साथ काम करूँ फिर अपने फाइवर के ऊपर, मैंने गिग बनाई थी लेकिन यानी कि इतना मुझे यानी कि वो ऑपरेशन आते थे उसके बाद फिर मैंने अपना अकाउंट जो है ना वो कर दिया। नहीं आप एटलीस्ट गिग तो पब्लिश करें ना, वो तो ठीक है, आप किसी अपने सीनियर के साथ काम करना चाहते हैं अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन आपको आदिल भाई पब्लिश तो करनी चाहिए ना। आदिल भाई मेरी बात सुने, मुझे मेरे दोस्त हैं वो काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग पे, मुझे उन्होंने एक चीज बताई, उन्होंने कहा कि आप खुद को किसी, आप जरूरी नहीं है मल्टीपल आप स्किल्स लें, आप एक स्किल्स ले लें कोई भी पकड़ लें, उस स्किल्स में अगर आपके सामने अगर 200 बंदा बैठा है तो वो आप इतने एक्सपर्ट हो कि वो आपको कम्पीट ना कर सके, वो 200 बंदे में से कोई भी बंदा कम्पीट ना कर सके। गिग बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, वो बन जाती है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को इतना पॉलिश करें कि उस स्किल्स के ऊपर आपके मुकाबले में कोई बंदा ना हो। देखें मेरी बात सुने, वो आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि